बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे पाकिस्तान में आप सबको हम वेलकम करेंगे। एक नए हफ्ते का आगाज़ हो चुका है और नए हफ्ते के आगाज़ पे हमारा एनर्जी लेवल भी बहुत अच्छा होना चाहिए। और इस एनर्जी लेवल में हम कभी कभार ऐसे काम भी कर जाते हैं, इस एक्साइटमेंट में कभी कभार हम ऐसे काम भी कर जाते हैं जिससे किसी का दिल दुख जाता है। कभी कभी हम अपनी एक्साइटमेंट के अंदर कुछ ऐसी हरकतें कर जाते हैं किसी से सामने वाले शख्स की दिल आज़ारी हो जाती है, जिससे उसको रंज मिलता है, गम मिलता है। तो ये एक्साइटमेंट हम शो कर जाते हैं मगर ये नहीं देखते कि सामने जो शख्स मौजूद है हम उसके साथ किस हद तक गलत रवैया इख्तियार कर जाते हैं। तो एनर्जी होनी चाहिए आपके अंदर मगर एक पॉजिटिव वे में होनी चाहिए, एक मुस्बत तरीक़े की होनी चाहिए, एक मुस्बत रवैये की होनी चाहिए। और मुस्बत रवैया तभी आता है जब आप दूसरों से प्यार करते हैं, दूसरों के साथ शेयर करते हैं, दूसरों के मामलों को देखते हैं और अच्छे और अहसन तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं। तो कोशिश कीजिए कि नए हफ्ते के आगाज़ पर जिस तरह से हम बहुत सारी अच्छी चीज़ें करने के बारे में सोच रहे होते हैं, ज़िंदगी में बहुत कुछ करने के बारे में सोच रहे होते हैं, बहुत सारे प्लान्स हम अपने संडे को प्रेपर कर चुके होते हैं कि मंडे से ऑनवर्ड हमने सैटरडे तक या फ्राइडे तक ये काम करने हैं, तो उसमें एक और चीज़ हमें इजाफी तौर पे शामिल करनी चाहिए। मैं कहूँगी वो इजाफी नहीं बल्कि बड़ी ज़रूरी होती है कि हमारे किसी भी अमल से, हमारी किसी भी बात से किसी दूसरे शख्स को दुख ना मिले, गम ना मिले, रंज ना मिले। तो इस अच्छी बात के साथ ही सुबह सवेरे पाकिस्तान का बाकायदा आगाज़ करते हैं। और आगाज़ के साथ ही जब अभी मास्टर शॉट बना होगा तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर कुछ काम भी हो रहा है। और ये काम क्या हो रहा है, यहाँ पर ये स्केच बनाए जा रहे हैं। ये स्केच डेफिनेटली हम आपके साथ शेयर भी करेंगे कि इनकी वजह क्या है, मगर मैं आपको बता दूँ ये अक्कासी करेंगे जो हमारे कश्मीर में, मकबूज़ा जम्मू कश्मीर में हमारे बहन भाई जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है, जुल्म व सितम ढाया आ रहा है, उनके हालात के हवाले से मंजर कशी इन स्केचेस के जरिए करेंगे, इनसे बात भी करेंगे। और आपको बताएंगे भी कि तस्वीरें कहते तो हैं बोलती हैं मगर तस्वीरें किस तरह से बोलती हैं, रंगों से खेलने का क्या एक अंदाज होता है या रंगों से खेलने का एक फन क्या होता है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। मगर इसके साथ साथ सबसे पहले हमेशा की तरह मौसम का हवाला आपके साथ शेयर कर लेंगे कि मौसम कैसा होता जा रहा है। मुझे तो लग रहा है कि अब मौसम काफ़ी बेहतर होना शुरू हो गया हुआ है और सुबह ठंडक भी महसूस होना शुरू हो गई है, रात के औकात में भी आपको महसूस होता है कि ठंडक है, तो लिहाफ़ वगैरह ओढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं पड़ी। मगर हाँ, किसी हद तक आपको लग रहा होता है कि ख़ुद को कवर करके आपको सोना है या सुबह सवेरे आप उठते हैं तो आपको लगता है कि मुझे कवर करके ही रूम से बाहर निकलना है। तो चलिए मौसम के क्या हालात हैं ये मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ एज इट इज़। सबसे पहले लाहौर शहर का मौसम आपको बताएंगे कि लाहौर की क्या सूरत हाल है। लाहौर में जो आज सारा दिन सूरत हाल होगी, कम से कम दर्जा हरारत तो 19 रहेगा और ज्यादा से ज्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। तो चलिए लाहौर के बाद इस्लामाबाद की रुख करते हैं मौसम का और जान लेते हैं कि इस्लामाबाद में कितना हसीन मौसम है। कम से कम दर्जा हरारत तो 18 रहेगा और ज्यादा से ज्यादा 29 डिग्री तक जाने का इम्कान है। माशाल्लाह से कराची के मौसम का आगाज़ भी आज अच्छा हो रहा है, हसीन तरीके से हो रहा है, खुशगवार है, क्योंकि यहाँ पर कम से कम दर्जा हरारत आज पूरे दिन में 24 रहेगा और मैक्सिमम 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। पिशावर की क्या सूरत हाल है भाई, पिशावर का मौसम भी कदर हसीन है, खुशगवार है। पिशावर में आज पूरे दिन में कम से कम जो दर्जा हरारत है वो तो 18 होगा और मैक्सिमम 31 डिग्री तक जाने का इम्कान है। कोयटा बेहद हसीन है, बड़ा ज़बरदस्त मौसम है कोयटा का, सर्दी मुझे लग रहा है वहाँ पे सबसे पहले आ गई है क्योंकि यहाँ पर दर्जा हरारत कम से कम जो है वो तो 11 रहेगा और मैक्सिमम 27 डिग्री तक जाएगा। भैया आज़ाद कश्मीर किसी से कम नहीं है, आज़ाद कश्मीर हमेशा की तरह आज भी सब पे सबकत ले गया है, बड़ा ज़बरदस्त और खूबसूरत मौसम है। आज़ाद कश्मीर में जो कम से कम दर्जा हरारत है वो तो 10 रहेगा और मैक्सिमम 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। तमाम लोगों की भी बात करूंगी जो कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में इस वक्त कश्मीरी जुल्म व सितम सह रहे हैं मगर हाँ डटकर उनका मुकाबला भी कर रहे हैं। कर्फ्यू है, 85 रोज़ हो चुके हैं मगर अभी तक कर्फ्यू की वही सूरत हाल है, खाने पीने की किल्लत है, वहाँ पर जुल्म व सितम ढाया जा रहा है। और याद रहे कि 1947 और 27 अक्टूबर ये वो तारीख थी जब पहली बार कश्मीर के अंदर, मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय अफवाज ने कब्ज़ा किया, गासिबाना कब्ज़ा किया, वहाँ पर अपने नापाक कदम रखे। और 27 अक्टूबर कल भी गुजरा, पूरे मुल्क में पाकिस्तान में यौम सिह मनाया गया,
जहाँ जहाँ दुनिया के किसी भी कोने में कश्मीरी बसते हैं वहाँ पर मनाया गया, जहाँ जहाँ दुनिया के किसी भी कोने में पाकिस्तानी बसते हैं, मुसलमान बसते हैं, वहाँ वहाँ कल 27 अक्टूबर को यौम सियाह के तौर पे मनाया गया। और जिस किस्म के जुल्म वहाँ पर ढाए जा रहे हैं, नौजवानों को लापता किया जा रहा है, ख्वातीन की इज्जतें पामाल की जा रही हैं, बच्चों को ज़बरदस्ती घरों के अंदर बंद किया गया है, नमाज जुम्मा की अदायगी की वहाँ पर इजाज़त नहीं है, इस हवाले से बात करने के लिए कि कब तक ये जुल्म और सितम जारी रहेगा, हमारे साथ बहुत ही ख़ास सहाफ़ी, बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से, जिनका श्रीनगर मकबूज़ा कश्मीर से ताल्लुक़ है। मैं उनका तारुफ करा देती हूँ। शाइस्ता साफ़ी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सुबह सवेरे पाकिस्तान में हमें ज्वाइन करने के लिए। शाइस्ता से तो बात करेंगे, मगर इसके साथ साथ जिस तरह से मैंने बात की थी कि यहाँ पर मेरे सेट पर कुछ काम भी हो रहा है, वो काम स्केचेस के हवाले से है, वो स्केच तो आपके साथ शेयर करेंगे, मगर स्केचेस के लिए जब रंगों का इंतखाब किया जाता है, जब जहन में कोई मंजर कशी होती है, तो उसका किस तरह से तरीक़ेकार होता है और किस तरह से इसको इख्तियार किया जाता है, कैसे अपने जज्बात को आप एक स्केच की शक्ल में उतार सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में जुल्फ़िकार जुल्फी साहब भी मौजूद हैं, ये डायरेक्टर अल्हम्रा आर्ट्स काउंसिल है। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार साहब, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। जुल्फ़िकार साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी, मगर शाइस्ता मुझे पहले आप ये बताइएगा, कल 27 अक्टूबर गुजरा है, कल यौम सियाह मनाया गया, सारी दुनिया को जो पैगाम दिया गया, उस हवाले से आप क्या जज्बात रखती हैं? बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि आपने तारुफ में कहा कि मेरा ताल्लुक मकबूजा कश्मीर से है, इतने दिन हो चुके हैं, 3 महीने होने को आए हैं कि अपने जो हमारे बहन भाई, जो हमारे रिश्तेदार, जो हमारे दोस्त अहबाब मकबूजा कश्मीर में रह रहे हैं, जो बस रहे हैं, उनके साथ हमारा कोई ताल्लुक, कोई लिंक नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। आखिरी बार जब हमने उनके साथ बात की थी तो वो 4 अगस्त 2019 था, कि जब वो हमें खुदा हाफिज़ के मैसेजेस भेज रहे थे, क्योंकि वो जान चुके थे कि भारत जो है मकबूज़ा कश्मीर में कोई अब ऐसा मंसूबा बना रहा है कि जिसके तहत वो वहाँ के लोगों को जो है उनकी ज़िंदगी मज़ीद अज़ाब करेगा। अगर हम बात करें तो 5 अगस्त से पहले भी मकबूज़ा कश्मीर के लोग किसी जन्नत में नहीं रह रहे थे। 5 अगस्त से पहले इस सो कॉल जो स्पेशल स्टेटस कहता है भारत के हमने कश्मीरियों को दे रखा था, उसके होते हुए मकबूज़ा कश्मीर में 1 लाख से ज़ायद अफराद जो है उनको शहीद किया जा चुका है, 15,000 से ज़ायद जो ख़वातीन हैं उनकी इस्मत दरी की जा चुकी है, 15,000-10,000 इस तरह का फिगर दिया जा रहा है कि मकबूज़ा कश्मीर में यतीम बच्चे मौजूद हैं, ऐसी ख़वातीन मौजूद हैं कि जिसके बारे में इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उनको आदि बेवा यानी हाफ विडो का नाम दिया हुआ है, कि वो ख़वातीन की जिनको मालूम नहीं कि आया उनके शोहर ज़िंदा हैं या मर चुके हैं, वो उनकी मौत का सोग मनाएं या उनके वापस आने का इंतज़ार करें, ऐसे बच्चे की जिनको ये मालूम नहीं कि क्या वो अपने आप को यतीम कहें या अपने वो बाप के आने का इंतज़ार करें। तो ये जो सो कॉल्ड हम स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं, मकबूज़ा कश्मीर में इस सो कॉल स्टेटस से पहले भी और सो कॉल स्टेटस के बाद भी अब जो हम देख रहे हैं, जब तक आर्टिकल 370 और 35A था, उसके बावजूद मकबूज़ा कश्मीर के आवाम की ज़िंदगियां तंग थीं, लेकिन अब हम ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि अब जब भारत के पास एक खुली छूट मौजूद है जो कि उसके अफवाज के पास पहले ही मौजूद थी, वो इम्प्यूनिटी हासिल थी, पब्लिक सेफ्टी एक्ट उनके पास मौजूद है, आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट उनके पास मौजूद है, अब जबकि उनको एक पूरी डॉक्यूमेंटेड छूट मिल चुकी है, अब वो मकबूज़ा कश्मीर में क्या कर सकते हैं, उसकी झलक हमें बीजेपी के जो नुमाइंदे हैं उनके बयानात से मिल रही है कि जिनके ख़वातीन के बारे में बहुत ही अजीबोगरीब से रिमार्क्स हैं कि अब आर्टिकल 370 और 35A ख़त्म हो जाने के बाद भारतीय जो शहरी हैं कश्मीर की खूबसूरत ख़वातीन के साथ शादियाँ कर सकें, क्या मकबूज़ा कश्मीर की ख़वातीन इतनी ऑब्जेक्टिबल हैं कि आप सिर्फ उनके साथ शादी करने और इस तरह मतलब आपकी सोच ये इस हद तक वो अपने दिखा देते हैं बयानात में कि अब वो मकबूज़ा कश्मीर की ख़वातीन वहाँ के बच्चों और वहाँ के लोगों के साथ क्या कुछ करना चाहती हैं, मैं शाइस्ता साहिबा, ये जो छूट दी गई है, डॉक्यूमेंटेड छूट मिल चुकी है कश्मीरियों से रिलेटेड भारतीय लोगों को, इससे मुतालिक बात करूँगी, मगर जुल्फ़िकार जुल्फी साहब भी चूँकि हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्फ़िकार जुल्फी साहब, कहा जाता है कि तस्वीरें बोलती हैं, जब दुनिया में कहीं पर भी कुछ होता है एक तस्वीर के ज़रिए उसको रंगों के ज़रिए उतारा जाता है जब कैनवस के ऊपर, तो दुनिया उसको बड़ा अप्रिशिएट करती है, बड़ा पसंद करती है, और कहा जाता है कि यह अक्कास होती है उन तमाम जज्बात की जो आप पेंटिंग की शक्ल में उतारते हैं। कश्मीरी
بہن بھائیوں کے حوالے سے جب منظر کشی اسکیچز میں کی جاتی ہے, رنگوں کے ذریعے کی جاتی ہے, تو اس پر عالمی برادری جو ہے وہ آنکھیں بند کیے بیٹھی ہے. یہ منظر کشی آپ لوگ کس طرح سے کرتے ہیں کشمیر سے؟ سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ. باقی رہی, میں یہ سوچتا ہوں جب سے میں سینسز میں آئے ہوں, میں نے کشمیر ایشو پر لڑتے مرتے لوگوں کو دیکھا ہے. کشمیر بنے گا پاکستان, آزاد ہوگا کشمیر. سو اسی طرح میں جوان ہوا اور اب تو کافی ایج ہو گئی. سو اس یہ جو ایشو ہے کشمیر کا, یہ مون میں میرے ساتھ جوان ہوا ہے اور میں نے اس کے ہر اس کو ہر پہلو سے دیکھا ہے. اور کشمیر ایکچولی کشمیر پر پینٹ کرنے کا, جب میں بے شمار پینٹنگز کی ہیں اور میں نے ابھی لاہور آرٹس کونسل نے, الحمرا نے اور پنجاب آرٹسٹ ایسوسی ایشن ہے, ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ پوئٹس اپنا حصہ ڈالتے ہیں, رائٹر اپنا حصہ ڈالتے ہیں, ڈرامے ہوتے ہیں, میوزک ہوتا ہے, تو پینٹرز بھی ایک اپنا کنٹریبیوٹ کریں اس میں. سو ہم نے ایک باقاعدہ ڈیزائنڈ ایک ایگزیبیشن کی کشمیر ایشو پر. زبردست. اور تھینک یو ویری مچ, میں پھر آج یہ آپ کے ٹی وی چینل کے اس یہاں بیٹھ کر کہنا چاہوں گا ان تمام آرٹسٹوں کا جنہوں نے اتنے جذبے کے ساتھ اس پر کام کیا, اپنے اپنے جذبات کو کینوس پر اتارا. بہت ڈفرینٹ پینٹنگس تھیں, بہت خوبصورت بھی تھیں, لیکن ان سے لگتا تھا کہ وہ کتنا فیل کرتے ہیں کشمیر کے جو ظلم ہے وہاں پر. اور اللہ کا شکر ہے, میں یہ کہوں گا کہ پاکستان گورنمنٹ, پاک فوج, سول سوسائٹی اس وقت فوکسڈ اس ایشو پر کام کر رہی ہے اور پہلی دفعہ انٹرنیشنلی یہ ایشو اتنا ریز ہو چکا کہ اب اس کو انڈیا نہیں دبا سکے گا. آپ نے انٹرنیشنلی یہ بات کرنے کی کوشش کی ہے. شائستہ صاحبہ, آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب نے اسپیچ کی تھی, اسپیچ میں انہوں نے کہا تھا کہ دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر اگر اتنے جانوروں کو زبردستی بند کر دیا جائے تو سب لوگ مل کے آسمان سر پہ اٹھا لیں گے, ان کے حقوق کی بات کریں گے. یہاں تو پھر مسلمان ہیں, یہاں تو پھر کشمیری ہمارے بہن بھائی ہیں جن کے اوپر اتنا ظلم و ستم کیا جا رہا ہے. عالمی برادری کی منافقت اور پھر اس کے اوپر خاموشی, ہمارے جو کشمیری بہن بھائی ہیں ان کے جذبات کیا ہیں, آپ بہتر طور پہ عکاسی کر سکتی ہیں؟ دیکھیے, جس طرح آپ نے اسپیچ کی بات کی, عمران خان صاحب نے جس طرح اقوام متحدہ میں مقبوضہ کشمیر کی نمائندگی کی, وہ اپنے آپ کو انہوں نے سفیر قرار دیا, ترجمان قرار دیا, وکیل قرار دیا. انہوں نے بخوبی مقبوضہ کشمیر کا جو کیس ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کیا. منافقت جو ہے عالمی برادری کی, وہ اس بات سے واضح ہوتی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جب خواتین کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں, مقبوضہ کشمیر میں جب بچوں اندھا کیا گیا, ان کو پیلٹس لگا کر ان کی آنکھوں سے ان کو محروم کیا گیا, وہاں کے بچوں, وہاں کے پی ایچ ڈی اسکالرس کو جب شہید کیا گیا, وہاں پر لوگوں کو جب ہیومن شیلڈ بنایا گیا, لوگوں کو سڑکوں کے اوپر ان کو گھسیٹا گیا, نماز جنازہ تک کی اجازت نہ دی گئی, وہاں پر جب کہ ایمبولینسز کو روکا گیا اور ایمبولینسز میں سے پیشنٹس کو باہر نکال کر ان کے اوپر گولیاں برسائی گئی, تب یہ عالمی برادری خاموش رہی. کچھ آرٹیکلز آتے ہیں اخباروں کے اوپر, نیو یارک ٹائمز لکھ لیتا ہے, دا گارڈین لکھ لیتا ہے, کچھ بیانات آ جاتے ہیں, صرف لپ سروس ہو رہی ہے. کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر مقبوضہ کشمیر کے اوپر کوئی فرق پڑتا, یہ جو عالمی برادری بات کرتی ہے, تو پھر کرفیو اٹھ چکا ہوتا ہے اس تک, لوگوں کو اس تک محصور نہ کیا گیا ہوتا, لوگوں کے جو ان کے انسٹیٹیوشنز ہیں, جو ہسپتال ہیں, جو اسکولز ہیں, جو کالجز ہیں, وہ اس تک بند نہ ہوتے, لوگ اپنے گھروں میں اس تک قید نہ ہوتے, اپنے ہی گھر میں وہ اس وقت قیدیوں کی طرح رہ رہے ہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے رشتہ دار, ہمارے بہن بھائی اس وقت کیا کھا پی رہے ہیں, کیا ان کے پاس ضرورت, جو روزمرہ کی ضرورت کی اشیاء ہوتی ہیں, کیا وہ ان کے پاس موجود ہے, کیا بچوں کے پاس پینے کے لیے دودھ موجود ہے, کیا پیشنٹس کے پاس ادویات موجود ہیں, کیونکہ وہاں سے خبریں نہیں آ رہی ہیں. وہاں پر ایک مکمل سناٹا ہے اس وقت, اور وہ جو خاموشی ہے وہ اس وقت وہ ہمارے کانوں میں وہ خاموشی گونج رہی ہے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب وہاں سے آواز آتی تھی تو وہاں سے ان کی چیخ و پکار کی آواز آتی تھی, وہاں سے مظالم کی آواز آتی تھی, وہاں سے آزادی کے نعروں کی آواز آتی تھی. لیکن آج کوئی آواز نہیں آ رہی ہے, کیونکہ بھارت نے
मीडिया को गैग किया हुआ है, मीडिया को बंद किया हुआ है, सोशल मीडिया बंद है, इंटरनेट बंद है, टेलीफोन लाइंस बंद है, मगर हम नहीं जानते कि मकबूजा कश्मीर में इस वक्त भारत क्या कुछ कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये इंटरनेशनल कम्युनिटी की जिम्मेदारी है कि सिर्फ एक मुल्क पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं है। देखिए भारत तो गासिबाना कब्जा किए बैठा है, जुल्म व सितम ढा रहा है। जब पाकिस्तान की हम बात करते हैं, पाकिस्तान की कश्मीरी बहन भाइयों से जितनी मोहब्बत है उससे कोई भी कतअ नज़र नहीं कर सकता, कतअ ताल्लुक़ नहीं कर सकता। और कश्मीरी ख़ास तौर पे जब बाहर निकलते हैं तो पाकिस्तान का परचम हाथों में थाम कर निकलते हैं, और पाकिस्तान के परचम को जिस शख्स ने थामा होता है, भारतीय अफवाज उस पर ज़्यादा जुल्म व सितम कर रही होती हैं। जब एक वाज़ेह पैगाम हमारे कश्मीरी बहन भाई दे रहे हैं दुनिया को कि वो पाकिस्तान से वालेहाना मोहब्बत करते हैं, तो ये पैगाम दुनिया को नजर क्यों नहीं आता? देखिए, मकबूजा कश्मीर के लोग ना सिर्फ अपने जलसे जुलूस में, ना सिर्फ कि जब उन्होंने अपनी आज़ादी का इजहार करना होता है पाकिस्तान के परचम हाथ में लेके निकलते हैं, जब वहाँ पर जनाजे आते हैं, जब वहाँ पर लाश को तदफीन किया जाता है, तो पाकिस्तान के परचम में लपेट कर उनको दफन किया जाता है। हर रोज़ वहाँ पर मकबूजा कश्मीर के लोग अपना रेफरेंडम दुनिया के सामने प्रेजेंट करते हैं, ईद मनाते हैं, तो चांद जब पाकिस्तान में देखा जाता है तब ईद मनाई जाती है, रमज़ान के रोज़े तब रखे जाते हैं जब पाकिस्तान की तरफ से ऐलान किया जाता है कि अब रमज़ान का जो चांद है वो नज़र आ चुका है। लोग अपनी मोहब्बत, लोग अपना रेफरेंडम हर रोज़ दे चुके हैं, लेकिन ये जो दुनिया अपने मफादात में इस वक्त मस्त है, ये जो पोलिटिकल इंटरेस्ट और बिजनेस इंटरेस्ट, और जो भारत एक उनके लिए एक बहुत बड़ी सो कॉल्ड मंडी बन चुकी है, हथियारों की मंडी बन चुकी है, आईटी की मंडी बन चुकी है, अब इंसानी जानों की कदर कीमत जो है वो उस बिजनेस के तहत देखा है, उस बिजनेस के तहत तोला जाता है कि भारत के साथ उनके जो बिजनेस हैं। लेकिन फिर वही बात कि पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की रियासत जिस तरह मकबूजा कश्मीर के साथ खड़ी है, जिस तरह उन्होंने अभी भी बारहा टाइम एंड अगेन दुनिया के सामने प्रेजेंट किया और शो किया कि हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों को तनहा नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, ये वो जज्बा है कि जो मकबूजा कश्मीर के लोग पहले भी देखते आ रहे हैं, और जब वहां पर ये पाबंदियां हटेंगी तब वो देखेंगे कि यहाँ की हुकूमत, यहाँ की रियासत, यहाँ का आवाम, यहाँ का बच्चा, बूढ़ा, जवान, खवातीन उनके लिए निकले और सड़कों के ऊपर निकले और उनकी आजादी के लिए उनके साथ शाना बशाना खड़े रहे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह शायस्ता साहब, दुनिया आपको देख रही है इस वक्त, कोई आप कश्मीरियों के हवाले से खास तौर पे कोई पैगाम देना चाहें? मकबूजा कश्मीर के अवाम ने अपना पैगाम जो है वो वाज़ह कर दिया है, वहाँ के ख़वातीन ने, वहाँ की बच्चियों ने, वहाँ के बच्चों ने अपनी आंखें, अपनी बसीरत दे दी, अपनी बिनाई दे दी इस आज़ादी के लिए। वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, वो भारत के साथ किसी उस भारत के साथ कि जिन्होंने उनकी आंखें छीन ली, जिन्होंने उनके ख्वाब छीन लिए, जिन्होंने उनके बच्चे छीन लिए और माँ बाप उनके छीन लिए, उस भारत के साथ वो कभी नहीं रहेंगे। और ये पैगाम उनकी तरफ से वाज़ह है, चाहे दुनिया उसके ऊपर चाहे दुनिया चाहे नज़रें बंद कर लें, मकबूजा कश्मीर के लोग देख रहे हैं कि दुनिया उनके लिए क्या कर रही है, मकबूजा कश्मीर के लोग अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, आज़ादी की जंग लड़ते रहेंगे, और इस जंग में पाकिस्तान उनके शाना बशाना खड़ा है, कश्मीर वो पाकिस्तान की शहर है, और इंशाल्लाह ताला कश्मीरी जो है आज़ादी की नेमत से फ़ायदा उठा सकेंगे। अच्छा जुल्फिकार साहब, मैं देख रही हूँ यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्केचेज और पेंटिंग्स वगैरह हमने रखी हैं, तो मैं ये जानना चाह रही थी कि मतलब एक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपने अपने जहन के अंदर जो तस्वीर है उसको रंगों के जरिए कैसे कैनवस पे उतारना होता है? एक्चुअली ये लाइक शायरी है, और बहुत एक लाइन में या एक स्ट्रोक में एक व्यू क्रिएट करने से आप कन्वे करें अपनी फीलिंग्स। सो लाइक जैसे ये मेरी एक पेंटिंग है, इसमें मैंने ये एक पूरी स्टोरी है एक्चुअली, इसमें ये मैंने जो गिद्ध बनाया है वल्चर, ये मैंने इंडियन आर्मी जो चीफ है वो बनाया इसको। अच्छा, आपने उसको कलर उसके कैप उसकी, और उसको फिर ये दिखाया कि वो कश्मीर का खून पी रहा है, कश्मीरियों का खून पी रहा है, उनको बंद किया हुआ है नीचे, कश्मीर का ये जो डोर है नीचे इंडियन लॉक लगा हुआ है उसको। बिल्कुल बिल्कुल। सो इसका मतलब है 3 महीनों से कश्मीरियों को उन्होंने बंद किया हुआ है, ना वहाँ पर कोई फूड का इस है वहाँ पर इंतज़ाम,
صحت کا ان کا بہت برا حال ہے، کوئی میڈیکل ان کو سپورٹ نہیں مل رہی، پھر ان کو جیسے ابھی عائشہ جی بتا رہی تھیں نماز کے لیے نہیں نکلنے دیا جاتا، ان کو ایمرجنسی کوئی ہو ان کو نکلنے نہیں دیا جا رہا۔ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے یہ کیوں خاموش ہے، یہ کیوں نہیں بول رہا، اور کیوں ان کو اتنی چھوٹ دے دی انڈین آرمی کو کہ وہاں پر نہتے کشمیریوں پر اتنا ظلم کہ آنکھیں بند کر لی ہیں پوری عالمی برادری نے۔ یہاں تک کہ میں مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے مسلم ممالک بھی نہیں بول رہے اس پر۔ بالکل، شائستہ صاحبہ نے بڑی زبردست طریقے سے عکاسی کی ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کی۔ یہ جو پکچر ہے یقینی طور پہ واقعی بولتی ہے، اس کا نظر آ رہا ہے۔ اچھا، لوگوں کو ذوالفقار صاحب یہ بھی بتانا بڑا ضروری ہے، ایک گد کو آپ نے کشمیری گھر کی دیوار کے اوپر بٹھایا ہے، گد جو ہے بیسکلی آپ نے کس چیز کی علامت، آپ نے ویسے تو بھارتی افواج سے اس کو ریلیٹ کیا ہے، مگر ایک گد کو ہی کیوں بٹھایا گیا ہے، گد کو خاص طور پہ کس طرح سے آپ لے کر چلے ہیں؟ گد ایک ایسا پرندہ جانور کہہ لیں جو کہ ہر چیز کو کھا جاتا ہے، ہر مردہ زندہ چیز کو کھا جاتا ہے، اور ایک خوف کی علامت ہے۔ بالکل، ایک آئی تھنک مجھے تو اس سے خوف آتا ہے کہ ایک ڈرٹی اور خوفناک اس کی شکل، اس کی جو فزیک ہے وہ بالکل ایک خوف کی علامت ہے ایکچولی۔ وہ جو میں نے اور خوف کو میں نے انڈین چیف بنایا ہے، اور وہ جو کہ زندہ مردہ جس کی نزدیک کوئی ویلیوز نہیں ہے، کوئی بالکل انسانیت کو وہ انسان نہیں سمجھ رہا، وہ لوگوں کو زندہ لوگوں کو بھی کھا رہا ہے، مردہ لوگوں کو بھی کھا رہا ہے۔ اور اس آرمی چیف نے ہی، انڈین فوج نے جو کہ لاکھوں میں وہاں پر موجود ہے، میں نے اس کو وہ سمبل کے طور پر یوز کیا ہے۔ گد جو ہے، گد مجھے میری تصدیق کیجیے گا ذوالفقار صاحب اگر میں غلط ہوں، گد کو ویسے بھی نحوست کے علامت کے طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ گد اگر کہیں پر آتا ہے تو وہ نحوست کی علامت سمجھا جاتا ہے جہاں پر بیٹھا، اور واقعی اخلاقیات بالکل نہیں ہے انڈین آرمی کے اندر۔ اور جو آرمی چیف کے حوالے سے جس طرح سے یہ خون پی رہا ہے گد، اور اس کو اس سے ریلیٹ کیا ہے، بہت ہی خوبصورت پینٹنگ ہے جس کو رنگوں کے ذریعے بنایا ہے، اور عثمان بھی چونکہ یہاں پر کام کر رہے ہیں تو عثمان سے بھی ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں۔ اچھا عثمان، میں دیکھ رہی ہوں ابھی کچھ حد تک کمپلیٹ مجھے لگ رہا ہے ہو گیا ہوا ہے آپ کا کام، اور ذرا کیمرے پہ فوکس کیجیے گا، دکھائیں ہم کہ جی کتنی زبردست طریقے سے یہاں پہ اسکیچ بنایا جا رہا ہے۔ عثمان، کیا مطلب کس طرح سے کشمیر کی منظر کشی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں آپ اس پینٹنگ؟ اس پینٹنگ کے حوالے سے تو جو ہے وہ مین کانسیپٹ ہے ڈسٹرکشن آف کشمیر۔ یہ ایک جو وادی ہے ہماری جنت نظیر جس کو کہا جاتا ہے، وہ جل رہی ہے اس وقت، اور یہ ایک باقاعدہ ایک منظر ہے کشمیر کے اوریجنل جگہ کا، جہاں پہ کچھ عرصہ پہلے ایک انہوں نے بھارتی افواج نے اور بھارتی فورسز نے ان کو نظر آتش کیا تھا۔ تو اسی کی ایک عکاسی کی گئی ہے، اور ایز اے بگ پکچر پوری ویلی کو یہ ریفلیکٹ کر رہی ہے، تاکہ جو ہے وہ آڈینس کو یہ کانسیپٹ جا سکے کہ پوری کی پوری جو کشمیر ویلی ہے اس میں ڈسٹرکشن کے علاوہ اس وقت اور کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی ہے۔ اور اسی کو ریفلیکٹ کرنے کے لیے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں پینٹنگ کے اوپر کشمیر کا ایک چھوٹا سا فلیگ بھی دکھایا گیا ہے، تاکہ اس کی جو ایسوسیشن ہے کشمیر کے ساتھ اس پینٹنگ کی وہ اسٹیبلش ہو سکے۔ ٹھیک ہے، اچھا جس طرح سے ابھی میں ذوالفقار صاحب سے پوچھی تھی، آپ سے بھی میں یہی پوچھوں گی، بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اپنے خیالات کو آپ کینوس کے اوپر جب اتارتے ہیں تو ہم کبھی کچھ پینٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری تھوڑی دائیں بائیں ہو جاتی ہیں، تھوڑی نہیں میرا خیال ہے ساری دائیں بائیں ہو جاتی ہیں چیزیں۔ آپ لوگوں کا کیا ویژن ہوتا ہے، ویژن آپ لوگوں کا کتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ آپ جو سوچتے ہیں وہ اسی طرح سے انہیں لکیروں کے اندر آ جاتا ہے؟ یہ ایک پورا تھاٹ پروسیس ہے جی، یہ آپ یعنی اٹس اسپیننگ اوور لاٹ آف ایئرز آف آبزرویشن۔ زلفی صاحب ماشاء اللہ اس وقت ہمارے ملک کے مایناز آرٹسٹ ہیں، اور ان کی پینٹنگ بھی آپ جیسے انہوں نے ڈسکرائب کی ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک دم سے کچھ تھوڑے عرصے میں
कुछ चीज़ इस्टेब्लिश करते हैं, इसके पीछे बहुत सारे सालों की ऑब्जर्वेशन होती है जो कि आपने मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ इंस्टेंसेस से आपने अपने मेमोरी में स्टोर की होती है. एंड देन व्हेन यू स्टार्ट कंपोजिंग अ पेंटिंग यू गेट एन आइडिया. अब जैसे कश्मीर के ऊपर आइडिया है तो उसके लिए मुख्तलिफ चीज़ें जहन में आती हैं कि आप लोगों के ऊपर जो मजालिम हैं उनको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, भारतीय अफवाज की जो वहाँ पे एट्रॉसिटीज़ हैं उनको आप रिफ्लेक्ट करें, कश्मीरियों की जो जबूं हाली है उसको आप रिफ्लेक्ट करें. सो यानी उसमें कुछ फिगरेटिव पेंटिंग्स भी आ जाती हैं, कुछ आप लैंडस्केप के तौर पर भी दिखा सकते हैं. अभी आपकी कंप्लीट हो चुकी है या अभी भी? नहीं, इसमें भी कुछ यानी मेन जो कॉन्सेप्ट है वो तो इससे अभी रिफ्लेक्ट हो रहा है. चलिए आप बाकी जो चीज़ें हैं वो भी कंप्लीट कर लीजिए. अच्छा जुल्फी साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो बाकी हमारे पास पेंटिंग्स पड़ी हुई हैं ये किस किस की बनाई हुई हैं? और वैसे मैं अपने देखने वालों को बता दूं, हमारे साथ एक और पेंटर भी मौजूद है, उनका तारुफ भी आपके साथ कराऊंगी, उनकी तस्वीरें भी यहाँ पर मौजूद हैं. और उन्होंने किस तरह से रंगों का इंतखाब किया, कैसे कश्मीर के हवाले से मंजरकशी की, वो आपके साथ शेयर करूँगी. मगर अभी जुल्फी साहब कुछ दीगर तस्वीरों के हवाले से मुझे जी बताएं. ये मैं जैसे अर्ज कर रहा था, ये एक एसोसिएशन है हमारी आर्टिस्ट की. सो हमने बड़े दिल से इस पर काम किया है. ये जितनी पेंटिंग्स हैं यहाँ पर जूनियर सीनियर बेशुमार, मेरा ख्याल है 130 लोगों ने काम किया आर्टिस्ट ने. जैसे अभी तार्ड साहब बता रहे थे, ये सब्जेक्टिव काम होता है. एक तो पेंटिंग होती है लैंडस्केप सिटीस्केप पोर्ट्रेट्स, लेकिन ये एक सब्जेक्टिव पेंटिंग्स हैं. ये एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है कश्मीर. कश्मीर को कैसे फील किया है, कश्मीर के बेशुमार इशूज़ हैं वहाँ पर, ख़वातीन के साथ बेहरमती हुई, बच्चों के साथ जुल्म हुआ वहाँ पर, फिर फौज क्या जुल्म कर रही है और वहाँ पर उनके जो हालात हैं वो उनको बंद किया हुआ 3 महीनों से. सो हर पेंटर ने उसको अपनी तरह से कंसीव कर कर उस पर काम किया. जैसे वो एक पेंटिंग है वहाँ पर, वो आमना पटौदी साहबा की पेंटिंग है, ठीक है. उन्होंने बेशुमार वहाँ के कश्मीरियों को दिखाया है और ऊपर से उन्होंने ब्लड गिरता हुआ. सो ये एक अपनी अपनी स्टेटमेंट होती है हर आर्टिस्ट की, अपनी तरह से जैसे उसने कंसीव किया उसको पेंट कर दिया. अच्छा अगर कैमरा ये फोकस कर सके, यहाँ पर एक पेंटिंग पड़ी हुई है हाथों वाली, दो हाथ हैं. मुझे वो बड़ी ही दिलचस्प लग रही है. अगर आप इसके बारे में मुझे जुल्फी साहब कुछ बता सकें कि इसमें क्या शो करने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के फ्लैग का ये हाथ हमें ऊपर से आता नज़र आ रहा है, बादल हैं नीचे, हमें कुछ आग और कुछ घटाएं नज़र आ रही हैं, अगर इसके बारे में कुछ बता सकें. वही है जैसे, क्योंकि कश्मीरी माशाल्लाह पाकिस्तान की तरफ ही देख रहे हैं. बिल्कुल, बिल्कुल. पाकिस्तान के साथ ही वो ईद मनाते हैं, पाकिस्तान के साथ रोज़े रखती हैं, पाकिस्तान के म्यूज़िक को अपना म्यूज़िक समझते हैं, पाकिस्तान के आर्ट को अपना आर्ट समझते हैं, पाकिस्तान के लोगों को अपना भाई समझते हैं. इसी तरह हम भी, वो हमारा वेट कर रहे हैं. इस पेंटिंग में पेंटर ने ये शो किया है कि आप घबराएं ना, बिल्कुल मैं आपके पास आने लगा हूँ. हाथ जो हैं ये मिलके रहेंगे, मिलकर रहने के लिए. चलिए कश्मीर से मुतालिक मैं और भी बात करूंगी. जैसा से बताया था, एक और पेंटर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी कुछ तस्वीरें भी आपके साथ शेयर करेंगे. चलिए जी, आपको हमने ऑस्ट्रोलॉजी से मुतालिक एक ज़बरदस्त सा पैकेज भी दिखाया. सबको इंतज़ार भी रहता है और सबको इंतज़ार ये भी होता है कि जब आपके सितारों से मुतालिक बात हो तो हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमारे सेट पे मारूफ ऑस्ट्रोलॉजर अजीम जाफ़ी साहब भी मौजूद हो. तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि आप जा रहे हो और हम ना बुला सके? तो अजीम जाफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं. बहुत शुक्रिया अजीम जाफ़ी साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए. नए हफ्ते का आगाज़ हो गया है. मुझे सबसे पहले जो इंतज़ार रहता है और लोगों को भी इंतज़ार रहता है कि हमारा हफ्ता कैसा गुजरेगा. मुझे ये बता दें कौन कौन से ऐसे सितारे हैं जो गर्दिश में रहेंगे इस हफ्ते में. सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूं कि इस हफ्ते में कोई गर्दिश देखें, क्योंकि एक वीक में ना मून की पोजीशन 3 जगह चेंज होती है, तो कंटिन्यूटी में कोई गर्दिश में नहीं रहता और कंटिन्यूटी में कोई अच्छे में नहीं रहता. 2 दिन अच्छे, 2 दिन थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं. तो एरीज वालों का जो है ना, शुरू के 2 दिन जैसे आप कह लें कल परसों से हम स्टार्ट करते हैं, तो वो एरीज वालों का थोड़े से 2 दिन वीक हैं,
फिर उसके बाद अच्छे हैं पूरा वीक। ठीक है, टॉरस वालों का भी इसी तरह है, थोड़ा सा हस्बैंड वाइफ का झगड़ा जो टॉरस हैं उनको चाहिए अवॉइड करें, उसके बाद वो ठीक है। जेमिनी वाले लड़ाई झगड़े से गुरेज करें, ड्राइव कर रहे हैं तो केयरफुली होके करें और सेहत का ख्याल रखें। कैंसर वाले जिनका है उनका लव लाइफ थोड़ी सी वीक हो सकती है, लड़ाई झगड़ा मियाँ बीवी हो गए कुछ इस तरह का, मंगनी के अगर कहीं जिनकी बातचीत चल रही है शादी की वो थोड़ा सा पेंडिंग में जा सकती है। फिर उसके बाद लियो वालों का अच्छा है टाइम, मगर वही वाली बात, पहले दो दिन ज़रा वीक हैं, अपनी ही घर में किसी बात पे उनकी मुखालफत हो सकती है। विर्गो वालों का बहुत अच्छा है, कोई स्टेप लेंगे उसमें कामयाबी है। लिब्रा वालों का उनसे ज्यादा अच्छा वीक अच्छा है। हाँ, लिब्रा वालों आप बहुत खुश हैं। लिब्रा मैंने कहा लिब्रा मेरा है ना भाई। लिब्रा वालों का बहुत अच्छा है ये वीक, मगर ये बताते चलूं कल और परसों वो लोग कोई हैवी एक्सपेंडिचर्स रहे अवॉइड करें। लिब्रा को कह रहे हैं? हाँ, लिब्रा अगर कोई चीज खरीदने जा रहे हैं छोटा मोटा डेली रूटीन की तो चलता है, ठीक है ना, मगर गाड़ी शाड़ी मकान खरीद रही है तो आप रहने दें अभी। अच्छा, उसके बाद स्कॉर्पियो वालों का पहले दो दिन कल और परसों जो है वो थोड़ा सा वीक है, ज़हनी दबाव के उसमें रहेंगे, जैसे डिप्रेशन में आ जाता है आदमी। उसके बाद सेगिटेरियस वालों का थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज रहेगा पहले दो दिन, उसके बाद अच्छे हैं। और कैप्रिकॉर्न का बहुत अच्छा टाइम है, इनकी प्रमोशन, इनके कारोबार में फ़ायदा है। एक्वेरियस वालों का ट्रैवलिंग ठीक है, कोई बिगड़ा हुआ काम या जिसका वेट कर रहे थे वो होगा। आखिर में पाइसेस वालों का सबसे अच्छा ये वीक जाएगा, क्योंकि उनका मेरे हिसाब से आज 11 बजे के बाद से बहुत अच्छा चेंज हो रहा है। हाँ। खास तौर से वो लोग जो पिछले 13 मंथ से किसी काम पे लगे हुए थे उस पर रिजल्ट नहीं आ रहे थे, आज से उनका वो रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। चलिए अल्लाह करे सबके लिए अच्छा ये साबित हो सके। अच्छा, हमारे अजीम जाफर साहब चूंकि कश्मीर से, अभी आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत जबरदस्त किस्म की पेंटिंग्स, बहुत मैं वही देखे जा रहा हूं। और हमारे साथ यहाँ पे पेंटर इमरान काजमी भी मौजूद हैं, इमरान की कुछ पेंटिंग्स के ऊपर भी बात करेंगे, मगर चूंकि कश्मीर से मुतालिक मैं चाह रही हूँ आपसे भी कुछ जाना जा सके। अजीम जाफर साहब, ये कब तक कर्फ्यू चलता रहेगा? 85 डेज। देखिए, ये अभी जो प्लानिटरी पोजिशन कुछ चेंज होने वाली है, एक तो आज हो रही है, एक हो रही है 4 और 5 की दरमियानी शब में, ठीक है ना, ये चेंजेस लाएंगे। अब मज़ीद थोड़ा सा जो है ना, अब बेहतरी की तरफ मामला जाएंगे, जितना ख़राब होने थे अब हो गए, ठीक है ना। और मैंने पहले भी आपके शायद शो में कहा था कि 24 जनवरी ऑनवर्ड्स बिल्कुल फिर ये मसले हल होना शुरू होंगे, ठीक है। अच्छा इमरान, आप मुझे बताएं आपकी कौन कौन सी पेंटिंग्स हैं और उसमें आपने क्या किस तरह से कश्मीर के हवाले से मंजरकशी की है? मेरी एक पेंटिंग है सेट पे फिलहाल, ठीक है, कश्मीर ये प्लीज़ फोकस कीजिए इसको, ज़रा लोग भी देख सकें। आप बताइए इस बारे में कि इस पेंटिंग में आपने क्या मंजरकशी करने की कोशिश की है? एक्चुअली मेरा सब्जेक्ट, मैं फ्लावर पेंट करता हूँ और ह्यूमन फिगर्स पेंट करता हूँ, तो उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड मैंने कश्मीर के इशू को पेंट किया है। फ्लावर डिपिक्ट करते हैं ब्यूटी को भी और पीस को भी, और स्पेशली मैंने चिल्ड्रन को इससे एज्यूम किया है कि ये चिल्ड्रन के साथ, और ये आरएसएस की तलवार है, उनका साइन भी है वो, एक जो एक उनकी सुहाग है, मैंने वो इसमें यूज़ की है। और एक ब्लैक एंड वाइट में मैंने वो मर्ज करके उस पोर्ट्रेट को निकाला है, एक ये फेयर, एक डरा हुआ फेस है एक बच्चे का, और लेकिन उसमें इनोसेंस इतनी ज़्यादा और इस तरह का वो फेस है कि उसे पता ही नहीं है कि हमारे सराउंडिंग में हो क्या रहा है, हो क्या रहा है और हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमारे भी है मगर लाइल्म भी है, लाइल्म भी है। तो उनके साथ जिस तरह से नीचे वो आरएसएस जिस तरह से बेरहमाना तरीके से वो इन बच्चों के साथ ट्रीट कर रहे हैं या कश्मीरियों के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो उनकी एक ज़रब मैंने दिखाई है कि वो एक फूलों के ऊपर, क्योंकि मैं उस तरह तो पेंट नहीं कर सकता कि मैं एक बच्चे को करता हुआ दिखाऊँ, वो ज़्यादा वायलेशन हो जाती है, तो एक फूलों को, एक ब्यूटी को वो किस तरह से कितनी बेरहमी से उनका कत्ल कर रहे हैं, ये मैंने शो किया उसमें अपने। अच्छा, कहते हैं तस्वीरों के जरिए, रंगों के जरिए एक बेहतरीन किस्म का मैसेज आप कन्वे कर सकते हैं, तो ये जो मैसेज आप लोग कन्वे करते हैं इसमें आर्टिस्टों का अपना कितना ज़्यादा इंटरेस्ट होता है? बहुत सारे लोग हैं जो डिफरेंट किस्म की चीज़ें पेंट करना चाह रहे हैं, और जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो आर्टिस्ट उसमें ख़ुद कितना पार्टिसिपेट करते हैं? देखिए, ये तो पार्टिसिपेशन, तो ये तो मैं समझता हूँ कि एक खुशकिस्मती की बात है अगर कोई बंदा किसी इस तरह की इवेंट में पार्टिसिपेट करता है, तो आर्टिस्ट हो या कोई भी कैटेगरी का जो भी फ़र्द है उसके लिए ये शायद एक बहुत अच्छा इवेंट हो सकता है कि अगर वो अपने पार्टिसिपेशन, मैं चाहता हूँ कि हमारी वजह से, जिस तरह से एक आपने बात की कि आर्टिस्ट का किस तरह पार्टिसिपेशन हो सकती है, एक गोर्निका पेंटिंग है बड़ी फेमस पिकासो की जी। तो पिकासो की उस पेंटिंग ने जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसको रुकवाने में उस पेंटिंग ने बड़ा ज़्यादा रोल प्ले किया था, उनके एम्बेसडर्स ने उस पेंटिंग को डिस्प्ले कर कर के जगह जगह पे चौक उनके और चौराहों में जर्मनी में उस पेंटिंग के ऊपर ब्रीफिंग्स दी, उस पेंटिंग के ऊपर एक्सप्लेनेशंस दी,
और लोगों को इमेज और विजुअल दिखाया है कि ये एक्चुअल हो क्या रहा है हमारे हो साथ क्या रहा है। तो एक विजुअल और पेंटिंग और मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा अपीलिंग है और एक क्लियर मैसेज जाता है लोगों को, क्लियर एक पिक्चर नज़र आती है। और आर्टिस्ट जब अपना काम करता है वो एक क्रिएटिविटी के साथ अपना काम शो करता है, बिल्कुल उससे शायद बिल्कुल। और जब हम अपनी अपनी बात कर रहे होते हैं, जिम्मेदारी की बात कर रहे होते हैं, जिस तरह से आर्टिस्ट कश्मीर के हवाले से मंजरकशी करके अपना अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं, इसी तरह से मीडिया भी, पाकिस्तानी कौम भी, आप, हम सब लोग इसकी आवाज़ उठा रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला कश्मीर में ये जो जुल्म सितम है ये ज़रूर ख़त्म होगा, ये अंधेरी रात ज़रूर ख़त्म होगी। बहुत शुक्रिया इमरान कासमी, थैंक यू सो मच। जुल्फ़िकार जुल्फी साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। उस्मान अजीज़ तारड़ अभी भी मसरूफ़ हैं, उस्मान आप कम्प्लीट करते रहिए, आपका भी बेहद शुक्रिया। मगर एस्ट्रोलॉजी से मुतालिक तो बात चलती रहेगी। अजीम जाफरी साहब, ये तो आपने बता दिया, दो दिन ऊपर होंगे, दो दिन नीचे होंगे, कुछ दाएँ जाएगा कुछ बाएं हो जाएगा, मगर जो बेचारे बाएं ही चलते आ रहे, मुश्किल में ही चलते आ रहे, वो दाएं वो निकलेंगे। जैसे मैंने कहा ना, फोर्थ और फिफ्थ के दरमियान में वो एक स्टार चेंज, स्टार्स हैं, सब में कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी। देखें, जब भी कोई एक अच्छा प्लेनेट अपने घर में जाता है ना, वो सबको कुछ ना कुछ फल देता है, ठीक है ना। जैसे एक मिठाई का डब्बा आता है, कोई एक उठा लेता है, कोई दो उठा लेता है, बिल्कुल ऐसा, ठीक है। तो वो प्लेनेटरी पोजीशन के हिसाब से वो फल जरूर देगा। अच्छा, हाँ ये मैं बताता चलूं, ये फल की आपने बात की, बड़े लोग हैं अजीम जाफर साहब जो कि औलाद की नेमत से महरूम हैं और औलाद की ख्वाहिश भी रखते हैं। मैं आपकी पेंटिंग से रिलेटेड आज उनको एक टिप दे देता हूँ। ये हमारे बहुत अच्छी पेंटिंग कर रहे हैं ये साहब, अब एक पीछे जैसे आग लगी हुई है, धुआं है, मगर अब इसको हम पीछे बैकग्राउंड बहुत ग्रीनरी कर दें जैसे, नहीं, और ये घर की एक पिक्चर बना लें या आप प्रिंट आउट निकाल लें कंप्यूटर से, वो आप अपने अगर घर के वेस्ट पे लगाएंगे, ठीक है, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी प्रॉपर्टी में इजाफा या किराए से आपकी जान छुटके अपने मकान में होने जी, क्योंकि वेस्ट गेंस का है, उधर जो चीज़ रखेंगे उसका वही इम्पैक्ट आपको मिलेगा। और ये मेरा अपना तजर्बा किया मैंने। जाफरी साहब हमारे साथ ही मौजूद है, तो जहाँ तक मुझे याद है मेरे पास एक कॉलर मौजूद है दिया के नाम से, तो उनसे बात करते हैं। जी दिया, बात कीजिए। वालेकुम अस्सलाम। मैंने अपने सिस्टर के फ्यूचर के बारे में पूछना है और अपने सिस्टर के फ्यूचर। जी जी जी, मैं सुन रही हूँ, आप कंटिन्यू रखिए, आप बताइए मुझे क्या पूछना है आपने। डेट ऑफ बर्थ बताओ। जी जी, हाँ जी, बहन का पहले आप मुझे अपनी सिस्टर का बताएं, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है। 16 फरवरी 2000। अच्छा जी, क्या पूछना है आपने फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर नाम बताएं अपनी बहन का। किंजा। अपने बारे में कुछ पूछना है आपने। जी हाँ जी, तो अपना भी मुझे बता दें, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी। 12। चलो मैं दिया आपकी कॉल करें, दोबारा इंतजार करती हूँ, आप मुझे जल्दी से बताना कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। अभी किंजा के बारे में मैं पूछ लेती हूँ जल्दी से, आप सुन लें जाफर साहब। किंजा का जो है लास्ट ईयर सितंबर से वीक चला आ रहा था, ठीक है, जो कि आज तकरीबन आप कह लें 11-12 बजे के बाद से आज ही वो इनका स्टार्ट ठीक हो रहा है। जो मामलात में रुकावट थी वो समझ लें आज से दूर होना, ऐसा ऐसा ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट आएगी इनकी लाइफ में। कितना टाइम लग जाएगा? बस अब शुरू हो गया काम, समझ चले। अल्लाह ताला किंजा के लिए बहुत अच्छा करे। सोबिया रहमान हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर मौजूद हैं। जी सोबिया, आपका सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22 जून 1983। जी क्या पूछना चाह रही हैं? पूछना चाहती हूँ कि मेरी जॉब होगी और मेरे मियां के साथ इख्तलाफात चल रहे हैं, वो ठीक हो पाएंगे? अच्छा, ये इख्तलाफात कब से मेरी बहन चल रहे हैं आपके? ये 2 माह से। ठीक है, चलिए बस, ठीक है, अपने अपने हस्बैंड का नाम बता दें। नहीं नहीं, ये बहन ये बताएं कि आपके बेड के नीचे कुछ सामान रखा हुआ है? चलिए पूछ लेते हैं। थैंक यू सोबिया, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। ज़रा इसके बारे में मैं पूछती हूँ, मगर आसिफ भी हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी मेरे भाई आसिफ, आपका सवाल क्या है? हेलो। वालेकुम अस्सलाम भाई, मेरे बात कीजिए। मैंने ये पूछना था कि मेरे नाम का सितारा कौन सा है और इसके हवाले से। अच्छा ठीक है आसिफ, कोई डेट ऑफ बर्थ याद है अपनी? कोई बात, डेट 19/10/2000। मुझे लग रहा है आप भी थोड़े कंफ्यूज हैं, तो कोई बात नहीं है, अजीम जाफरी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, आपके नाम के हिसाब से ही पूछ लेंगे। शाहिद भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी शाहिद, आप क्या बात करना चाह रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। एक तो मैंने अपने सितारे के बारे में पूछना, मेरे नसीब में जो है कितने बच्चे हैं, और दूसरा मैं जॉब करता हूं तो मैं मेडिकल बोर्ड, मेरा डॉक्टर कह रहे हैं अगर मैं चला जाऊं तो कब तक वो हो जाएगा।
अच्छा ठीक है शाहिद, मेरे भाई अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दे मुझे। जी 14 मार्च 1982 बरोज इतवार रात 10 बजे। ठीक है मेरे भाई, अभी पूछ लेते, थैंक यू आपने कॉल की। सोबिया का पहले बताएं भी, वो अपने हस्बैंड के हवाले से। अच्छा एक तो वो लाइन कट गई, उनसे पूछा था बैग के नीचे, अगर अगर कोई सवाल छोड़ के आगे चले, अगर कोई उनके नीचे बैठ के, अक्सर लोग सामान डाल देते हैं, आपने देखा होगा कोई टूल्स डाल दिए, कोई हथौड़ी कीलें या कोई और पुराने कपड़े बैग, उनको क्या बिल्कुल साफ कर लें, नंबर एक, ठीक है ना, बिल्कुल हटा दें वहाँ से। नंबर दो, उनका वैसे भी स्टार आपने नाम सुना होगा सार सती का, उससे गुजर रहा है, 24 जनवरी को आने वाली जो है उसमें उसका इख्तिताम हो रहा है, तो इनको क्या ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी 4-5 तारीख से ठीक है बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, लड़ाई झगड़े जो हो रहे हैं। जॉब होगी इनकी, इनकी खातून की, सो भी अपनी जॉब, हाँ उनकी जॉब में, उनकी जॉब अगर नहीं है तो लग जाएगी, अगर है तो और अच्छी हो जाएगी, जो उनके मियाँ बीवी के हस्बैंड के ताल्लुकात हैं वो भी सही होना शुरू हो जाएंगे, उनको कुछ परेशानी की जरूरत नहीं है, बस ये जाते हुए आखिरी बस झटका मार रहा है। कुछ लोग इसलिए भी परेशान है कि भाई वो फिट नहीं रह पाते, तो उनके फिटनेस का बंदोबस्त भी आज हमने अपने शो में किया है, तो हमारे साथ मोनाली मौजूद है, इनसे फिटनेस के हवाले से जानेंगे और इसके साथ साथ हम आपको सेल्फ डिफेंस के हवाले से भी बताएंगे और उनका तारुफ भी मैं आपके साथ कराऊंगी, मगर इससे पहले साथ साथ फिटनेस भी होती रहेगी, मगर इससे पहले आपके सवालों के जवाब भी होते रहेंगे। आसिफ मेरे भाई ये जो आसिफ जो जिनकी कॉल आई थी, जिनको अपना उनका विचार होगा 2000 उनका कहते हैं, वो बड़े कंफ्यूज हैं, मगर उनका वैसे बता देता हूँ, उनका भी स्टार थोड़ा सा वीक है, बल्कि मैं कहूँगा अब से लेके कोई 15-20 दिन तो बहुत ज़्यादा किसी से उलझे ना, जॉब कर रहे हैं क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता, जो भी कुछ कर रहे हैं अच्छा। बड़े ध्यान से करें कि ये किसी से ना उलझे, उनको कहें, मगर उनको कहें अपना भाई सदका ज़रूर दे के निकलो, बुध के दिन हरी चीज़ का, हरी सब्जी है, हरा कपड़ा है, हरी दाल है, ये आप किसी को डोनेट करके किसी निकले, किसी भी गरीब को, जरूरतमंद को आप जितने आप दे अच्छा, सकते हैं। इनका जो था ना ये अभी लास्ट शाहिद अली साहब, हाँ इनको पूरा टाइम वगैरह पता था जी कि बच्चे कितने हैं उनके, अच्छा बच्चे, हाँ बच्चों का माशाल्लाह 1 सितारा बहुत अच्छा है, मगर एक इनका वीक भी है ठीक है ना, और ज्यादा जो देखा जाता है वो फीमेल हॉरोस्कोप से देखा जाता है ठीक है ना, तो वैसे इनका हेयर स्टार अच्छा है, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं। ये मैं ज़रूर बताता चलूं कि इनका 24 जनवरी 2020 से बहुत राइजिंग टाइम आ रहा है, ये इस यानी कि 2020 से जो शुरू होगा अगले 2.5 साल ये अपना मकान प्रॉपर्टी गाड़ी बनाएंगे ही बनाएंगे, माशाल्लाह माशाल्लाह। और जो बोर्ड में कोई इनका जा रहा था नाम, उसमें कहते हैं अब इनको कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, 4 और 5 तारीख के बाद से इनका स्टार वैसे ही उरूज पे जा रहा है। अच्छा आपने गौर नहीं किया, उन्होंने सवाल जो एक दिलचस्प बच्चों के बारे में पूछा था, उन्होंने कहा था मेरे कितने बच्चे होंगे, हाँ वही ना, तो कितने बच्चे होंगे तो वो वाइफ से पता चलेगा ना, ये अब ये भी नहीं पता ये मैरिड हैं अनमैरिड हैं, मगर बच्चों के घर में हैं बच्चे, एक होता है ना जैसे कि चाइल्डलेसनेस ना हो जाए कुछ, वो नहीं है अल्लाह का शुक्र, वो ठीक अच्छा, है। वैसे खवातीन को होता है कि कितने बच्चे होने चाहिए, कितने होंगे, यहाँ पे मेरा भाई परेशान है कि मेरे कितने होंगे। एक और बता दूं, भाई का आज से फाइनेंशियली गेंस का भी हो गया, अच्छा आज से हो गया सुबह, चलिए माशाल्लाह अल्लाह ताला उनकी किस्मत अच्छी करता रहे। आसिफ हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर मौजूद है, उनकी तरफ बढ़ते हैं। जी आसिफ बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम अस्सलाम। अभी मैंने पूछना था अपनी किस्मत के बारे में। जी मेरे भाई पहले तो अपनी डेट ऑफ बर्थ मुझे बताएं। 3 अक्टूबर 1996। बस किस्मत का पूछना है आपने, 1986। जी जी अपनी सिर्फ किस्मत का पूछना है आपने। हाँ जी कारोबार के लिहाज से। ठीक है चलिए बहुत शुक्रिया मैं पूछ लेती हूँ अभी, थैंक यू सो मच। कारोबार के लिहाज से वो पूछना चाह रहे हैं। शाजिया हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी शाजिया अपना सवाल बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं शाजिया बात कर रही हूँ, अपने बेटे उसामा के मुतालिक पूछना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 29 जनवरी जी 1998। ठीक है। और सुबह 8:30 बजे पैदा हुए थे। ठीक है। क्या पूछना चाह रही हैं आप उनके बारे में? स्टडीज के बारे में स्टडीज के बारे में पूछना चाह रही हैं। हाँ जी कि इसका पढ़ाई के मतलब वो काफी अर्सा हो गया, 2 साल से जो है ना इसकी पढ़ाई का इशू। मंथ क्या आप? अच्छा चलिए 29 जनवरी। ठीक है शाजिया मेरी बहन अभी पूछ लेते हैं आपके बेटे के बारे में, बिल्कुल परेशान ना हो। सबसे पहले तो मुझे आसिफ का बताएं आप जाफरी साहब। उनका अभी बहुत केयरफुली उनको रहना है बिजनेस का, उन्होंने पूछा है खास तौर से 18 नवम्बर तक कोई स्टेप ना लें, नुकसान का साफ वाजे तौर पे नज़र आ रहा है। और दूसरा इनका जो सही होगा वो 24 जनवरी से सही होगा, मगर इन बिटवीन जो जुपिटर अभी आ रहा है 4 और 5 तारीख को, कुछ ना कुछ पहले के
मतलब मुकाबले में बेहतरी ज़रूर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा लेकिन इनका अभी कोई ऐसा स्टेप मत उठाएं। नहीं अभी ना, खास तौर से 18 तक तो बहुत केयरफुल रहे, इनका ज़रा वीक चल रहा है स्टार। ठीक है, अच्छा ये जो बच्चे का है 28 जनवरी 1998 जी सुबह 8:30 बजे, और सवाल क्या है एजुकेशन का? जी उनका बेटा है, उसकी तालीम के हवाले से बारे में पूछ अच्छा, रहे हैं कि 2 साल से बिल्कुल वो आउट हुआ है। वो इसलिए हुआ है क्योंकि आपने नाम सुना होगा सारसती, ठीक है ना, वो उसकी वजह से ये बेचारा वीक हो रहा है एजुकेशन में, ठीक है ना। तो इनको चाहिए कि आपने नाम सुना होगा स्टोन का ब्लू सफायर, जी जी बिल्कुल, वो बच्चे के गले में लॉकेट बना के पहना दे। अच्छा वो कैरेट्स में भी तो होता है कि कितने कैरेट का पहनाना है, उसको सोने में जड़वाना है, चांदी में, उसको हाँ सोने में ना जड़वाएं, चांदी में जड़वाएं, ठीक है ना। और उसको आप 5 कैरेट भी पहन सकते हैं, 7 या 10 कैरेट इस तरह कर लें, ठीक है। और हफ्ते के ही दिन काली चीज़ का बच्चे का सदका दें, अच्छा। मतलब काला कपड़ा, चाय की पत्ती, कोई दाल चाल दे, कोई काले चने, काले माश, काले तिल, ये बच्चे का देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता इनको लगेगा हाँ अब एजुकेशन में इसका दिल लग रहा है, यानी इस तरह से बेहतरी होगी। अच्छा आज जितने भी कॉलर्स आए हैं, जो मेरी आपसे जाफर साहब बात हो रही है, आप साठ सत्ती के बारे में बार बार बता रहे हैं, ये कोई खास कोई दिन ऐसे शुरू हुए में, कोई वक्त ऐसा शुरू हुआ है जो स्टार्स? बार दफा ऐसा होता है ना, जैसे मून जिसका कैप्रिकॉन का निकल आया या सैगिटेरियस निकल आया, ठीक है ना, ये कैप्रिकॉन का निकल आया, तो इत्तेफाक से वही 2-3 आगे पीछे आए, तो इसलिए उनको बताना पड़ रहा है। अच्छा मुझे ये बता दें कि किस किस को मोहतात होने की जरूरत है? देखिए इस वक्त तो लियो वालों का, मगर मैं ये बताता चलूं कि हम अगर बताएंगे ना लियो तो वो लियो सन साइन पे चले जाएंगे। हमें गाइड करना है डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ से या फिर नाम से, जिनका नाम मीम से शुरू होता है एम, ठीक है ना, ये अभी थोड़ा सा केयरफुल रहें, कुछ जज्बात में आके कोई फैसले ना करें, केयरफुल बस यही मैं कहूँगा। चल जाते जाते से का बता देना, मेरा बता दें सरवत। सरवत हाँ सरवत का ये है कि हस्बैंड से ना लड़ें, ठीक है हस्बैंड से ना लड़ें, ये इनका है। और दूसरा ये कि ट्रैवल है तो 18 तक कोई अवॉइड करें, उसके बाद कर लें 18 नवंबर तक। अब थोड़े दिन ही रहेगा, चलो थोड़े दिन ही रहेगा, मैं बर्दाश्त कर लूँगी, वैसे भी मैं अपने हस्बैंड से लड़ती भी नहीं हूँ अभी। चले बहुत शुक्रिया अजीम जाफर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आपने रिपोर्ट देखी, पैकेज देख लिया आपने, और मैंने आपसे कहा था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सुबह सवेरे पाकिस्तान के अंदर कंटेंट में हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माएँ शामिल ना हों, और उनको ये ना बताया जाए कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए आपने ख़ुद को सेल्फ डिफेंस के अंदर लेकर आना है, ख़ुद को फिट रखना है। तो वही बात आती है कि आप सेल्फ डिफेंस तभी कर सकते हैं जब आप खुद को फिट रख सकते होंगे, और ख़ुद को फिट कैसे रखना है ये भी मैं आपको बताऊँगी, टेक्निक्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आजकल तो ऐसे इस किस्म के वाक़ात हो रहे हैं, हमारी बच्चियों को बहुत ज़्यादा मोहतात होने की ज़रूरत है, मगर मोहतात आपको किस वे में होना है ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जैसे मैंने आपको बताया था मोना अली हमारे साथ फिटनेस ट्रेनर यहाँ पे मौजूद है, थैंक यू सो मच मोना हमें ज्वाइन करने के लिए। और इसके साथ साथ जूडो प्लेयर है जोहा, वो भी हमारे साथ मौजूद है, जोहा आपका बहुत शुक्रिया। कराटे प्लेयर है फायजा, वो भी हमारे साथ मौजूद है, फायजा थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। अच्छा मोना, हम सेल्फ डिफेंस के ऊपर तो बात करते हैं जी, मगर देखिए उसके लिए फिट होना बड़ा जरूरी होता है, कोई एनर्जी होनी चाहिए, कोई आपको पता हो मैं मुक्का मारूं हाथ चलाऊं तो मेरे हाथ में जान होनी चाहिए, सामने वाले के जबड़े तोड़ने के लिए मुक्के में जान होनी चाहिए, तो उसके लिए फिटनेस होना आपकी बॉडी जरूरी होती है, तो फिटनेस किस तरह सिलाई जा सकती है? सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ मेन मसल्स होते हैं जो आप अगर जनरली ट्रेन करें तो हेल्प होती है उससे, डेफिनेटली डज हेल्प कि अगर आप अपनी डेली लाइफ में एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्टिव हैं, तो आप जनरली आपके रिफ्लेक्सेस भी काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, आपको पता होता है कब अटैक होना है, क्या होता है, आप अवेयर होते हैं, तो रिफ्लेक्सेस के लिए भी ट्रेनिंग करनी चाहिए। बट जो 2 मसल्स हैं ना, और जो खास तौर पर अगर लेडीज़ की हम बात करें तो उनकी अपर बॉडी में स्ट्रेंथ इतनी नहीं होती, और अपर बॉडी में हमारे 2 डोमिनेंट मसल्स होते हैं जिनको हमें बहुत ज़्यादा ट्रेन करने की ज़रूरत होती है, एक हमारी चेस्ट होती है और एक हमारे आर्म्स होते हैं, ठीक है, और चेस्ट और आर्म्स, चेस्ट मसल की भी मैं कुछ एक्सरसाइजेस आपको बताऊंगी, और बाइसेप्स हमारे बहुत स्ट्रांग होने चाहिए क्योंकि हमारी अपर बॉडी का आर्म्स का सबसे डोमिनेंट मसल ही वही है, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ ही उसके अंदर है आफ्टर द शोल्डर, ठीक है। तो उसकी कुछ एक्सरसाइजेस मैं आपसे शेयर करूंगी कि अगर लेट्स से होता है, ठीक है, तो किस तरह आपने आपको प्रिवेंट कर सकते हैं, स्ट्रेंथ कैसे आ सकती है, आई एम श्योर उसके तो एक्सपर्ट्स बेटर हैं, स्ट्रेंथ के वाले से बात करेंगे। मगर मोना यही होता है कि हम तो जैसे मैं हूं, को खवातीन होती हैं, वो घर में बैठे ख्यालों में सोच रही थी यार ये मुझे ये करेगा तो मैं इसको मुक्का मार दूंगी, मैं हाथ चला दूंगी, मैं धक्का दे दूंगी, तो सारा ख्यालों से निकल के हकीकत में आने की भी जरूरत होती है। बिल्कुल जरूरत होती है, अगेन घर में आप कोई भी चीज पिक्चर कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, ये पॉसिबल सिनेरियोज ये हो सकते हैं, मगर आपके रिफ्लेक्सेस तब तक स्ट्रांग नहीं होते जब तक आप इसकी ट्रेनिंग नहीं लेते। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि
लड़कियों को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग जो है यहाँ पे अब तो माशाल्लाह पाकिस्तान में भी मल्टीपल सेंटर्स खुल गए हैं जहाँ पे सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग्स होती हैं, बॉक्सिंग होती है, कराटे हमारे पास जो दो बैठी हुई हैं, ठीक है, मैं खुद एक फिटनेस एक्सपर्ट हूँ। तो पेरेंट्स को तो पहली बात ज़रूरी है समझने की कि लड़कियों को बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की, तो सेंटर्स में भेजें, ठीक है, अवेयरनेस लाएँ, एक्सरसाइज के लिए उनको मोटिवेट करें, घर में ना बैठे रहने दें, ठीक है। मैं कुछ आपसे एक्सरसाइज जो मैं बात करी थी शेयर करती हूँ। हाँ, मोना भी हमसे शेयर करेंगे, मगर इसके साथ साथ टेक्निक्स के हवाले से भी अपने देखने वालों को। आज मैंने कहा है कि सेट पे थोड़ी इस तरह की एक्टिविटी होनी चाहिए कि जितने लोग बैठे हों सब लोग मसरूफ हों आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाने के लिए। तो टेक्निक्स के हवाले से सेल्फ डिफेंस तो ज़रूरी है, मगर इसमें टेक्निक्स कौन कौन सी आती है, उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो पहले हम जोहा से पूछ लेते हैं। जोहा, मुझे बताएँ कि सेल्फ डिफेंस के अंदर टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं? सेल्फ डिफेंस में मुख्तलिफ टेक्निक्स आती हैं। बेसिकली आप हिट करें प्रेशर, मतलब कि उन पॉइंट्स पे जो क्रिटिकल है, जैसे कि आईज, नोज, आर्म, ईयर्स, ठीक हो गया, और फिर नी, इस तरह की जगह पे आप हिट करें तो आप इसके थ्रू काफ़ी भाग सकते हैं अगले बंदे से, कि आप अगले बंदे को कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो कि कैसे उससे बचना है, और सारा मुख्तलिफ टेक्निक्स हम आपको शो करके दिखाएंगे। अच्छा फायजा, मुझे ये बताएं, अब ख़वातीन हैं तो बच्चियाँ होती हैं, हाइट छोटी होती है, तो अब सामने कोई लंबे कद का आदमी आ जाए और आपको पता हो कि यार इसकी ऐसी की तैसी मैंने कर दी है, तो वो छोटी कद वाली बच्ची उसकी ऐसी की तैसी कैसे करेगी? जी बिल्कुल, इसका हम आपको एक डेमो दिखाएंगे जिससे आप बिल्कुल जज कर जाएंगे हाइट को कैसे लेना है, लो हाइट को टॉन के कैसे लेना है। बस मर्द हजरात जो है ना थोड़ा बच के रह लें आज, आज मैंने सब कुछ सिखा के यहाँ से भेजना है। जरा मेरे साथ टेक्निक्स आप दोनों प्लीज शेयर कीजिए पहले, और पहले मुझे बताइए कि छोटे कद की बच्ची जो है ना वो किस तरह से बड़े कद वाले आदमी को पकड़ सकती है, हैंडल कर सकती है। ले भाई आज तो सब तैयार हो जाए, मैं भी बहुत कुछ आज सीख के जाऊंगी, आजकल के दौर में भी बड़ा जरूरी हो गया। फर्स्टली तो हम ये सेल्फ डिफेंस का कर रहे हैं कि हम टेक्निक्स तो हम करेंगे बताएंगे, हाँ। लेकिन हमने एक्चुअली जो बेसिकली हमारे अंदर डर है ना लड़कियों का, हमने उसको खत्म हाँ। करना है। तो ये जो आपने डर खत्म कराना है ना, ये इस कैमरे के अंदर आपने कराना है, लोग आपको डर जो है ना वो हमने कैसे अवॉइड करना है। फर्स्टली ये यहाँ पे आपको कोई बकअप करने के लिए नहीं आता, किसी ने बचाने नहीं आना, ये आपकी ऑन सेल्फ है जो आपने खुद ही पावरली होना और मेंटली प्रिपेयर होना है, ठीक हो गया। अब जी फर्स्टली जैसे इन्होंने बात की हाइट वाइज, अब थोड़ी भी हाइट पे ले आते हैं, लाइक जी हैरेसमेंट तो आज कॉमनली हो रहे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान में तो मोस्टली हो रहे हैं। लाइक जी अब कोई हाइटेड बंदा आ गया है, जी मैं जा रही हूँ कॉलेज से वापसी पे हूँ, और जी आया उसने पीछे से कॉमनली करते, उसने पीछे से मुझे जी ग्रिप कर लिया मेरे शोल्डर से, ठीक हो गया। अब मैं नहीं पकड़ सकती उसको बिल्कुल भी, क्योंकि वो तो हाइटेड है। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि मैं उसको अपनी पहली टेक्निक, तो ये किसी डर में तो बंदा कुछ भी करने को हो जाता है, निकल जाती हैं, लाइक मैं उसको अपनी फुल पावर यूज़ करके छुड़वा सकती हूँ। लाइक जी मैं पावर यूज़ नहीं हुई है, वो नहीं लगी उसका, जाहिर बात है वो तो मेल है, और फीमेल में जैसे वो बता रही हैं कि हमारा जो अपर पोर्शन होता है उसमें इतनी पावर नहीं होती, वो लूज़ होते हैं, ठीक हो गया। अब हम इसको नहीं जी मुझसे नहीं, मैं उसकी आर्म को ग्रिप भी कर सकती हूँ, उसको उसके पॉइंट से वीक भी कर सकती हूँ। नेक्स्ट मैं अपनी लेग की पोजीशन चेंज करते हुए उसके पेट पे हिट कर सकती हूँ, ठीक हो गया। उसके अलावा जो मेन पॉइंट है हम उसको ब्लाइंड कर सकते हैं, मैं अपनी पाम हिट कर सकती हूँ। ओके, ये सबसे मजेदार चीज मुझे लगी है। इतनी हाइट लड़कियों की नहीं होती है कि आप जी पहुंच नहीं सकते, कुछ नहीं हो सकते, ये तो लड़कियाँ कर सकती हैं, इसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा नहीं, हमारे ही कॉन्सेंट्रेट होता है, मैं पेट में मुक्का मार दूंगी। वो पता क्या है, क्यों का यही होता है, मैं मुक्का मारूंगी। जो मार्शल आर्ट्स के होते हैं ना, अब उनको टेक्निक लाइक ये है ना, मुझे पता है मैंने इनके मुक्का मारना है, कैसे मारना है, पावर मार। अब लड़कियां आजकल की तो यूं करके करती हैं। अब ऐसे रहते हैं, अब आपको इसलिए बुलाया था कि लड़कियों को बताया कितनी जोर से आपने मारा। वही ना, अब ये लड़कियां अमूमन जो अननोन पर्सन है ना, लाइक हम तो जानते इन चीजों को, मैं क्या छुड़वाऊं, उसने मुझे पकड़ा हुआ है, मैं क्या करूं, मैं ये छुड़वाऊंगी, ये करूंगी। अच्छा मुझे बोलने का शौक था, मैं इसलिए इस कुर्सी पे ऊपर बैठी हुई हूँ। आपको कभी लगा कि नहीं भाई मैं, मेरे साथ ये कोई इंसिडेंट हो गया तो बस अब मैंने ये कर गुजरना, मैंने एक्चुअली पर्सनली ये वो आपने पूछ लिए तो मैं शेयर करना चाहूंगी, ऐसा हुआ है मेरे साथ जो मैं इस फील्ड में। और देखिये माशाल्लाह से ये चीज होती है, ये वेल होती है आपके अंदर की आपने खुद को स्ट्रॉन्ग करना होता है, बहुत अच्छी बात। उसी इंसिडेंट को ना अपनी पावर बनाया है और जवाब दी है, हाँ। और बड़े पिए भी हंगामे। चले माशाल्लाह से अल्लाह ताला आपको ऐसे ही आगे लेके जाता रहे और मर्दों को सुधारती रहे। कुछ और टेक्निक हमारे साथ शेयर कीजिए। इसके अलावा जी अब देखें, कॉमनली लड़का पकड़ लेते हो, कोई ऐसा हाँ। सीन होता रहता है, उसने मुझे पकड़ लिया, जी मैं ग्रिप कर रही हूँ, मैं छुड़वा रही हूँ, हाँ। मुझसे नहीं छुड़ा, क्योंकि मेल में तो पावर होती है। अब सेकेंडली मैं उसको
कुछ भी नहीं मुझसे हो रहा, कुछ भी नहीं। अगर तो हाइट हमारी सेम आ जाती है तो मैं उसको एडिट कर सकती हूँ, ठीक हो गया। उसके नोज पे लगे, हाथ पे लगे, वो बिल्कुल हाइट हमारी नहीं है, हम यहाँ से पकड़ सकते हैं उसको, ठीक हो गया। मैं ये करूँगी मुझे पकड़ा हुआ है, मैं बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। हाँ। मेरी हाइट नहीं है, मुझसे ये नहीं हो रहा है, मैं अपने हाथ इसके अंदर डाल सकती हूँ। हाँ। अपने पावर यूज कर सकती हूँ, ठीक हो गया। मोड़ सकती इसके हाथ। अच्छा, नहीं तो होता है मूवीज में दिखा रहे होते हैं, जो लड़की हीरो बनी होती है ना, वो अपनी तरफ से जो हीरो बनी होती है वो ऐसे को पीछे से पकड़ते हैं तो उसको कोहनियां मारती है। कोहनियां भी मारी जाती है, आ जाती है हाइट की बात। अब लड़कों को इतने में, अब देखिए ना, मुझे उसने ग्रिप किया है, मेरी एल्बो नहीं निकल सकती है, तो फिर कैसे करें, क्या करें? मैं उसके वीक पॉइंट पे आ सकती हूँ, मैं यहाँ कर सकती हूँ, मैं ये लेग डाल के उसको नीचे गिरा सकती हूँ, ये पॉइंट कर सकती हूँ, मींस उसकी ग्रिप को छुड़वा सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि आपके मतलब कुछ मसल्स ऐसे होते हैं, कुछ हिस्से ऐसे होते हैं बॉडी पार्ट के, जैसे गर्दन के करीब कहते हैं कि अगर आपने किसी को ग्रिप करना हो ना और उसको हिलने नहीं देना तो यहाँ से आपने पकड़ना है कुछ, लाइक ये जो बताइए कैसे होता है। ये आ गई हैं जी, इन्होंने मेरे गर्दन से पकड़ा, मैं बिल्कुल छुड़वा नहीं सकती हूँ। फर्स्टली तो मैं इनको ये पावर कर सकती हूँ, ठीक हो गया। इसके बाद मैं इनको पाम हिट कर सकती हूँ, नोज पे, नोज पे, नोज पे ये कर सकती हूँ, ठीक है। उसके अलावा मैं इनकी एयर भी कर सकती हूँ उनको बिल्कुल ही। अच्छा, एक जो आम चीज नजर आती है, हाथ पकड़ लिया, नहीं छोड़ रहा हाथ, क्या करें? ये जी, इन्होंने मेरा हाथ, अब ये आ रही है, मैंने इनका हाथ पकड़ लिया है। हाँ। अब मैंने अपनी फुल पावर लगाई हुई है, फुल जोर है, अब इन्होंने कैसे करना है? इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। हाँ। ये मेरी नी पे किक कर सकती है। हाँ, ओके। मेरे बैली पे कर सकती है, मेरे पीछे कर सकती है। अक्सर लड़कियां बेचारी, अच्छा कैमरे की तरफ फोकस करें, अक्सर लड़कियां होती हैं बेचारी, वो इतनी खौफजदा होती हैं, वो सिर्फ कुछ करती भी नहीं है, चुटकियां काट के भाग जाती है। बजाय ना आपका जो थंब है ना, आप उसकी तरफ अगर अपना हाथ मोड़ेंगे ना तो मोना आप सामने और आके बताएं ना हमें, और फायसा भी यहाँ पे मौजूद है, जोहा भी है, लेकिन आप भी आए और आप बताएं कि अपने मसल्स कैसे स्ट्रांग करें। एग्जैक्टली, मेरा फोकस ये होगा, ये तो तब है जब आप ट्रेन कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, आपके रिफ्लेक्स स्ट्रांग है। इसको करने के लिए, सिचुएशन में अगर आप आ गए हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए पहले से आपको क्या ट्रेनिंग करने की जरूरत है, प्लीज आए। और आपने किस तरह से मेंटली अपने आप को तैयार करना है, आपको पता होना चाहिए, ज़हनी तौर पे आप तैयार हो कि मेरे साथ अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो मैंने ऐसे हैंडल करना है उसको। देखिए, मैं एक चीज़ तो सबसे पहले शेयर करूंगी कि ऐसी सिचुएशन के लिए कोई भी कभी रेडी होता नहीं है, ठीक है। जब हो जाती है, सेफ्टी टिप एक चीज़ मैं बताऊंगी, आप बाजार में चल रहे हैं, ठीक है, आप वॉक कर रहे हैं, मेक श्योर करें कोई भी आपके विद इन 5 feet डिस्टेंस में है, उससे है। कोई करीब आपके आ गया तो आपके रिफ्लेक्सेस ऑन हो जाने चाहिए, आपको होना चाहिए कि यार मैं डेंजर जोन में, अलर्ट हो जाना चाहिए आपको। अच्छा जी, पहली बात तो अब आपने जैसे बताया है, मेन मसल जो इन्होंने अपने टेक्निक में यूज़ किए हैं, ये हमारे क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग्स, हमारे शोल्डर्स, हमारे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स होते हैं, या हमारा फोरआर्म मसल होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि सिंपल स्क्वाट्स अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, आपको पता है, अगर आप ऑलरेडी एक फिट पर्सन है तो मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहले हमारे एक्सरसाइज करने का स्टांस क्या होता है, शोल्डर्स रोल बैक एंड डाउन, बेली टाइट, ठीक है, हिप्स टाइट, फीट आर स्लाइटली वाइडर देन योर शोल्डर्स, टोज आर पॉइंटिंग आउट, नीज आपके जा रही हैं टोज की डायरेक्शन में, साइडवाइज करके बताऊंगी, आपने हिप्स को पीछे करना है और नीचे करना है, ये आपका स्क्वाट है। अच्छा, इससे आपके कौन से मसल स्ट्रेन और स्ट्रेंथन होते हैं? क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग्स। सबसे बड़ा बॉडी का हमारा मसल होता है क्वाड, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जिन्होंने अपनी किक के लिए भी यूज़ किया है, ठीक है। अगर आपने इसको थोड़ा सा और एडवांस करना है, स्क्वाट में जाएँ, राइज अप, किक, ठीक है। किक करने की टेक्निक है, आपने अपनी पूरी टांग उठा के नहीं मारनी, आपने पहले नी को लॉक करना है, उसके बाद आपने अपनी काफ से किक करना है, टो को पॉइंट करके। टेक्निक जरूर याद रखिएगा, हम जनरली कहते हैं किक है, हमने पूरी टांग लगा दी। हाँ, एग्जैक्टली, यू गो डाउन इन अ स्क्वाट, लिफ्ट एंड किक, ठीक है, ये आपकी किक की टेक्निक होती है। अच्छा जी, पंच की टेक्निक, पंच हमेशा आता है शोल्डर से, ठीक है, इसकी स्टार्ट होती है स्ट्रेंथ शोल्डर से, उसके बाद आपके बाइसेप की स्ट्रेंथ आती है, फिर आपके फोरआर्म की, यहाँ से आपने इसको लॉक करना है। लॉक जब आप करते हैं तो आपका बाइसेप जो है वो अच्छे से टाइट हो जाता होता है, यहाँ से आपने अपना पंच थ्रो करना है और वापस भी लाना है। अगर आप पूरा थ्रो करते हैं और वहीं पर छोड़ देते हैं, आपका शोल्डर इंजर हो सकता है। ओके। अगर आपने किसी को पंच करना है तो आपने अपनी बॉडी को भी आगे पुश करना है, ठीक है। अब जैसे आप ये खड़ी हुई हो, ठीक है, मैंने आपको पुश करना है ना, ठीक है, तो मैं सिर्फ ये नहीं करूँगी, आई वोंट बी एबल टू रीच, बट पूरी बॉडी का कोर स्ट्रेंथ को मैंने लाना है, पुश करना है ताकि आपको झटका लगे, ठीक है।
तो ये इसका ये, और मैंने इसको फिर वापस लाना है, अगर मैंने दो तीन पंचेस करने हैं तो मुझे वापस लाना मेरे ख्यालों में. पता क्या आ रहा है, लड़कियां जब किक लगा रही हैं और माशाल्लाह से पहनी भी हील होती है तो सोचे लगे कि जिसको तो कितने चीखें निकलेंगी. नहीं, अगर हील पहनी है तो फिर तो हील उतार के उसके कोने से बंदा कर लेता है. बट ये बेसिक टेक्निक्स है, ठीक है. अगर आपने और थोड़ा सा स्ट्रेंथ अपनी बढ़ानी है, ये एक्सरसाइजेज हम वेट के साथ करते हैं. मेरे पास 2 kg ईच के डम्बेल्स हैं यहाँ पे, ठीक है. मैंने क्या करना है, अगर मैंने स्क्वाट्स करने हैं इसके साथ, ये मैं रखूँगी अपने शोल्डर्स या अपने डेल्टॉइड्स पे. यहाँ से अपनी एल्बोज मैंने लॉक करनी है. सेम थिंग, डाउन लिफ्ट, डाउन एंड लिफ्ट. आपने अगेन मेक श्योर करना है, एक चीज़ आप याद रखिए, स्क्वाट का वेट हमेशा होता है आपकी हील में, तो आपने टोज उठानी है व्हेन यू स्क्वाट. स्क्वाट लिफ्ट, इससे क्या होगा, मसल ज़रा थोड़े से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और इसके अंदर स्ट्रेंथ आएगी, ठीक है. पंचेस अगर आपने करने, अगेन सेम थिंग, एक पांव आगे एक पांव पीछे, बैक हील आप अपनी लिफ्ट करनी है. यहाँ से आपने इसको लॉक करना है, पंच ब्रिंग इट बैक, पंच ब्रिंग इट बैक. इससे आपका पूरा बाजू इंक्लूडिंग द फोर आर्म विच इज़ द सेकेंड वीकेस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी, वो बहुत अच्छा ट्रेन. अच्छा वो ना ये भी होता है, अल्लाह ताला ने खवातीन के अंदर एक खास सेंस ये रखी होती है, कोई इंसान इनको चेज कर रहा हो, कोई पीछा कर रहा हो, हमें पहले से पता होता है यार ये बंदा किस नजर से हमें देख रहा है, और कोई हमारे पीछे आ रहा है, हम बिना देखे हमारे पीछे एक आंख होती है सर के, पता नहीं वो पता चल जाता है हमें. आपको मेंटली खुद को रेडी किस तरह से रखना है, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ या एक्सरसाइजेज हमें डेली रूटीन में करनी चाहिए जो हमारे माइंड को इतना शार्प कर दें कि हमें पता हो कि ऐसी सिचुएशन बनेगी और हमें फौरन ये रिएक्ट करना. बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं सबसे एक बेसिक एक्सरसाइज बताऊँगी जिस पर हम बहुत, यानी वी स्लीप ऑन इट, वॉक, वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग एवरी डे फॉर 30 मिनट्स. आप पार्क में निकल जाएँ, अगर आपका कॉन्फिडेंस इशूज़ है, आपके रिफ्लेक्सेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, पार्क में जाएँ. अक्सर आस पास आपके लोग वॉक कर रहे होते हैं, उससे भी आपकी सराउंडिंग की अवेयरनेस आपको काफ़ी ज़्यादा होती है. दूसरा ये आपने एक बात की थी कि किस तरह हमें पता चल सकता है, मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि अगर 5 फुट से कम फासले में आपके पास कोई आ गया, आपके आपका माइंड अलर्ट मोड पे चला जाएगा, चलेगा ये बंदा मेरे से बहुत ही कुछ थोड़े कदम. अच्छा मैं कहूँगी कि अगर फायजा या सोहा में से कोई एक पीछे आए और हमें मोना कुछ बता सके कि किस तरह से आपने उसको रिएक्ट करना है. ठीक है, आप अब यहाँ पे आए, ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ठीक है, लेट्स से ये 5 फीट का डिस्टेंस है, प्लीज ये कैमरा फोकस करते हुए बताइएगा. मैं 5 फीट के डिस्टेंस पे चल रही हूँ, मैं चल रही हूँ, आप आगे आए, अब आप मेरे पास आ गए हैं थोड़ी सी. जैसे हो गया, आप थोड़ा सा या तो फास्ट करना शुरू कर दें या तो आप रुक जाएं अपनी जगह पे एंड स्टेप असाइड. ठीक है, स्टेप असाइड, चेंज योर डायरेक्शन एंड स्टार्ट गोइंग द अदर वे. ठीक है, बेहतर है सेफ्टी के, बेशक आप लेट हो जाएं जहां आपने जाना है उससे, मगर आप रुक जाएं, टर्न कर जाएं, डिले कर दें उस चीज को. ठीक है, एक और चीज मैं दूंगी, जब आप बाहर वॉक कर रहे होते हैं, प्लीज डोंट हैव हेडफोन्स और ईयरफोन्स इन योर ईयर. हमने देखा होता है कि एयरपॉड्स लगाए होते हैं, बिल्कुल पता नहीं होता. प्लीज हमें नहीं पता होता कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, ये ना लगाएं. ठीक है, अपने हाथ में कोई जो, अगर आपने कुछ एक्सपेंसिव पकड़ा हुआ है, फोन पकड़ा हुआ है, प्लीज डोंट हैव इट आउटसाइड इन योर हैंड. अच्छा, अच्छी बात आपने की. ज़ोहा फ़ाइज़ साहब, मुझे दोनों बताएं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो हर बच्ची को, स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, यूनिवर्सिटी गोइंग है, जॉब के लिए जा रही है, अपने बैग में रखनी चाहिए? कैमरे में बताना है आपने, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए वो चीज़ होनी चाहिए आपके पास? एक्चुअली मेरे हिसाब से कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, बैग में नहीं, अपने हार्ट में. हाथ में, मगर मैं एक चीज रखती हूं, आई की बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी चीज रखती हूं, एक पेपर स्प्रे होता है, ठीक है, पेपर स्प्रे या जो माउथ मिंट नहीं होता फ्रेशनर, वो बहुत होता है. पेपर स्प्रे बनाने का भी एक बहुत अच्छा तरीका है, उसकी रेसिपी भी मैं आपको दे देती हूँ, क्योंकि मैंने बनाया हुआ है, आई कीप इट इन माय, यहाँ पे बहुत कॉमन है. लड़की अगर करते करते उल्टा अपनी आंख में कर ले तो बताएं मुझे क्या होगा. पेपर स्प्रे इज लिटरली काली मिर्च और पानी और उसके अंदर थोड़ी सी मिर्चें मिला के एक जो स्प्रेबल बॉटल ले ले आप भाई, वो ले पानी के अंदर मिक्स करें एंड एवरी टाइम यू. अब ये ना हो कि आप बाहर जा रहे हैं करती फिर आप नहीं, आपको लगे कि मेरे कोई पास भी चल रहा है तो पीछे से उठा के कर, बिल्कुल ये नहीं करना. ठीक है, फायदा तो आप मुझे एक मिनट आपको लेना चाहूंगी, जस्ट सेकंड. आप जैसे ये कह रही हैं, ये अब ये हम ले बैग में रखें, अटैक हम पे हो गया, आप ना डर की हालत में ऐसा कुछ नहीं आ रहा, बैग खोलेंगी, जिप खोलेंगी, उसको नहीं, 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 बैग में तो रखना ही नहीं है. बात बता क्या, हम चीज की बात करें, आपका जो खौफ है ना आपको इतना अंधा कर देता है, इतना वीक कर देता है कि आपको कुछ याद ही नहीं रहता. बड़े बड़े प्लेयर्स पकड़े जाते हैं खौफ में. चलिए, ये खौफ की आपने बात की, कॉन्फिडेंस ऐसी चीज है. बच्चियां जो ना, अब सबका कॉन्फिडेंस फायजा ज़ोहा मोना या फिर सरवत वलीम जैसा नहीं होता भाई. अब जो बच्चियां शर्मीली हैं, अब दोनों मुझे बताएं, अब जो शर्मीली बच्चियां हैं, कोई ऐसी खास टेक्निक उन्हें पता हो कि हालात कुछ भी हो मैं ये कर जाऊंगी तो बच जाऊंगी, उनके लिए कोई टेक्निक? इन्होंने जब डिस्कस किया ना कि आपको सेंसिटिव पॉइंट्स का पता होना चाहिए, आईज, नोज, इयर्स, चिन, ठीक है, चेस्ट, पेट,
नी बिहाइंड द नी अंकल ये पता होना बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात बता, अब ये पॉइंट्स हमें पता है, हम बता रहे हैं, हम कैमरा पे आए हैं, आपको पता चले ये पॉइंट्स हैं मेन। अब आप बात करिए, शर्मीली लड़कियां अक्सर ये होती हैं जो उनको बिल्कुल पता नहीं, अब वो काफी बंदियां शो नहीं देख रही हैं, उन्हें नहीं पता जी मेन पॉइंट क्या बताया जा रहा है। सारी बच्चियां शो देख रही हैं, उनको मैंने बता दिया था कि आज सेल्फ डिफेंस के ऊपर बात होगी, तो भाई सेल्फ डिफेंस के ऊपर मैंने तीनों यंगस्टर बच्चियां बुलाई थी ताकि आप लोगों को पता चल सके मेरे पास वक्त भी खत्म हो गया है। शर्मीली बंदों की जो बिल्कुल शर्मीली, जिनको कुछ भी आईडिया है, बहुत ज्यादा डर जाती है, लड़कियां बहुत ज्यादा डर जाती हैं, तो फिर भी यहाँ बात आती है कॉन्फिडेंस की। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, ना कि आपके बैक के अंदर होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आज की ये तमाम एक्सरसाइज आप लोगों ने इंजॉय भी की होगी और बहुत कुछ सीखा भी होगा। और मर्द हजार बच के रह जाए, मैं ये काम करती रहूंगी, बताती रहूंगी कि बच्चियों को किस तरह से सेल्फ डिफेंस करना है। जोहा, मोना, फायजा, आप तीनों का बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। और फिटनेस रखने के लिए या फिर जहन को तरोताजा रखने के लिए चाय की चुस्कियां बड़ी जरूरी होती हैं। चाय की चुस्कियां कब कब और कैसे कैसे ली जा सकती हैं ये मैं थोड़ी सी ब्रेक से वापस आके आपसे शेयर करूँगी। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक, ये रिपोर्ट भी आपने देखी और एक अदद काउंटर भी आपको सजा हुआ नजर आ गया होगा। चाय से मुतालिक बात चल रही है तो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि मौसम इतना ज़बरदस्त हो। वैसे मौसम का कोई अमल दखल नहीं होता चाय के अंदर, बहुत सारे लोग शदीद गर्मी के अंदर भी गर्म गर्म शुड़प शुड़प करके चाय पी रहे होते हैं और उसको इंजॉय भी कर रहे होते हैं। मैं भी चाय बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन आज सुबह से जब से मैं आपके सामने बड़ी हंसी खुशी वाले मूड में बैठी हुई ना, मेरे सर में भी बड़ा शदीद दर्द हो रहा है और उसकी वजह यह कि आपको मेरे आसपास कहीं चाय नज़र नहीं आ रही होगी। तो आज हम कोशिश करेंगे कि जब चाय बन जाए तो मैं चाय पीऊँ और मेरे सर का दर्द भी जो है वो दूर हो जाए। वैसे एक मेथ है, या हकीकतन ऐसा होता है कि चाय ना पीने से आपके सर में दर्द होता है? तो ये सारी बातें कि चाय अच्छी कैसे बनाई जाएगी, चाय के फायदे भी होते हैं कि नहीं होते, या सिर्फ नुकसान होते हैं, और चाय का इस्तेमाल कब कब और कैसे करना चाहिए, बेहतरीन चाय। बड़े अक्सर लोग हैं पकाते रहते हैं चाय को, मगर वो एंड पे पानी सा ही निकलता है। अब अच्छी चाय जो है ना, कई लोग हैं जो कम दूध वाली चाय पीते हैं, कई लोग कहते हैं कि यार ज़रा दूध पत्ती होनी चाहिए, कई कहते हैं कि भाई मुझे खालिस्तन चाय होनी चाहिए, गाढ़े दूध की होनी चाहिए और बस हल्की सी पत्ती डालनी चाहिए। तो अच्छी चाय कैसे बनाई जा सकती है, किन किन तरीकों से बनाई जा सकती है, इस पर बात करने के लिए इसकी गज़ाइत वाकई है कि नहीं, यहाँ पर हमारे साथ माहिर गज़ाइत उम्मे फरवा मौजूद हैं। थैंक यू सो मच उम्मे फरवा, हमें ज्वाइन किया, और हमारे साथ हमारे शेफ़ भी मौजूद हैं, उनके तारुफ भी आपसे करा देती हूँ। अनम शेख हमारे साथ मौजूद होंगी, अनम की तरफ भी जाएंगे और चाय के बारे में पूछेंगे। मगर ऐसा होता है उम्मे फरवा, अब मैं ऑफिस से आती हूँ, मुझे चाय चाहिए, कोई घर में दोस्त अहबाब आ जाते हैं तो चाय चाहिए, हम कहीं बाहर गैदरिंग में जाते हैं तो चाय चाहिए, मेरे सर में दर्द है तो चाय चाहिए, भाई मूड आपका अच्छा है तो चाय चाहिए। अब ये जो चाय है ना, ये हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद है? बेसिकली चाय की डिफरेंट रेसिपीज़ हैं, आनम भी अभी मेरा ख्याल आपसे काफ़ी शेयर करने वाली हैं, तो ये रेसिपी पर डिपेंड करता है कि उसके किस हद तक बेनिफिट्स होंगे या नहीं होंगे। हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि अगर हम पुराने वक्तों में चले जाएं तो बेसिकली ये जो हमारी ब्लैक टी है, ग्रीन टी है, अक्सर लोग इस पर भी बात करते हैं कि जी आप ग्रीन टी पिए उसके ज़्यादा फ़ायदे, कोई शक नहीं है, लेकिन जो ग्रीन टी और ब्लैक टी है ये दोनों एक ही पौधे के पत्ते हैं, ठीक है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता, प्लांट एक ही है, लेकिन जो ब्लैक टी है वो ज़्यादा प्रोसेस्ड फॉर्म में होती है, ग्रीन टी लेस प्रोसेस्ड होती है। ओके, दोनों के अंदर फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, दोनों के अंदर एंटी ऑक्सीडेंट्स हैं। वो कुछ आम आवाम के लिए ज़रा ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स हो जाएंगे, बस इतना बता दूँ आम लफ्ज़ों में कि उसके अंदर कुछ नेचुरल इस तरह के केमिकल्स हैं कुदरती तौर पे जो कि हमें बहुत सी बीमारियों से बचाते हैं, इवन ब्लैक टी के भी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आता है जब हम उसमें दूध डालते हैं तो हम उसको भी ख़राब कर देते हैं, जो आपकी चाय का जो कहवा था, और इसी तरह जब हम दूध में कोई भी चीज़ डाल देते हैं तो दूध की अफादियत को भी हम ख़राब कर देते हैं। यानी कि ये जो है ना, ये फ़ायदा हासिल करते करते नुकसान हम खुद करते हैं। हाँ। और चाय अच्छी, जैसे मैंने कहा कि बनाई कैसे चाय, तो अनम की तरफ भी चलते हैं। तो अनम, आज आप कौन सी चाय बनाने वाली हैं हमारे लिए? आज हम बनाने जा रहे हैं, कप कितने आपने रखे हुए यहाँ पे क्योंकि हम इंजॉय कर सकें? मैंने तकरीबन 5 कप रखे हुए। हाँ ठीक है, यानी कि ये भी इंजॉय कर सकती है, 5 लोग पी लेंगे इस चाय को। बड़ी ही सिंपल ये चाय है, आपको पता है कि जैसे जैसे सर्दियाँ आती हैं तो कश्मीरी चाय बड़ी इन हो जाती है, ये बड़ी हमारी प्यारी सर्दियों की एक सौगात है ये कश्मीरी चाय जो है। तो आज मैं आपको ये कश्मीरी चाय बनाना सिखाऊंगी, बहुत ही आसान है इसको। अच्छा, बनाना ये मुझे बताया ना, बहुत सारे लोगों के माइंड में ये कॉन्सेप्ट होता है जी पिंक टी अलग होती है, कश्मीरी चाय अलग होती है, तो ये वाकई दोनों अलग अलग होती हैं या मतलब हमने इसको अलग नहीं? एक्चुअली हमने इसको अलग नाम दे दिया, ये कश्मीरी चाय को ही लोग पिंक टी बोलते हैं।
यूजुअली, लेकिन ये होती कश्मीरी चाय ही है। हाँ, मतलब मेरा भी यही मानना है कि होती कश्मीरी चाय, अलग बात है कि हम थोड़ा फैसिनेट कर देते कलर से, हम लोग उसको कर दिया ना फैसिनेट कलर से कर दिया है बेसिकली, अदर देन वो है कश्मीरी ही चाय। अच्छा, बहुत मसला ये होता है अनम जब लोग चाय बनाते हैं तो अक्सर लोगों के जैसे मैंने बात की थी कि पानी पानी सही रह जाता है चाय में, अच्छी कहते हैं हम भी काटते रहते हैं फिर चाय बड़ी मज़ेदार बनती है, वो काट के भी चाय अच्छी नहीं बनेगी तो फिर क्या, कैसे बने अच्छी? अच्छा, कश्मीरी चाय और रेगुलर चाय में बहुत फ़र्क है। कश्मीरी चाय का अगर कावा जो है वो अच्छा मत नहीं बना हो तो वो कभी भी एक अच्छी चाय नहीं बन सकती, वो वही वाला हाल हो जाएगा कि पानी वाला सीन अलग अलग, वो पतली पतली सी आपको चाय लगेगी और वो बिल्कुल टेस्टलेस होगी। तो इसके जो मेन जो इसका जो चीज़ है वो ये है कि इसके कावे को बनाने के अंदर तकरीबन 2 से 2.5 घंटे लगते हैं, क्योंकि आपने इसको काफ़ी ज़्यादा बीट करना होता है सिर्फ कहवे के कहवे के ऊपर। कहवे के बाद तो कोई काम ही नहीं ना, कहवे के बाद आपने कहवे को उबाला, उसमें दूध ऐड किया, उसे 1 से 2 उबाले दिए और डन। और जब किसी ने फटाफट बनानी हो तो फिर फिर 1 दिन पहले बना ले कावा। आप इस कावे को तकरीबन कोई 1 वीक के करीब स्टोर भी कर सकते हैं। ओके, जबरदस्त। तो आज आप कश्मीरी चाय बना रही हैं उनके लिए, तो चलिए भाई अनम कश्मीरी चाय भी बना रही हैं, अनम से भी साथ साथ बातें करते रहेंगे, मगर साथ साथ गजाइयत के ऊपर भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप भी चाय की चुस्कियाँ लेने के बड़े शौकीन हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमें कॉल कर लें और अनम से बात करना चाहते हैं या उम्मे फरवा से कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, उम्मे फरवा, ये भी होता है, अच्छा मुझे बताएं वैसे हमें डेली रूटीन में कितनी चाय पीनी चाहिए, कितने कप चाय के होने चाहिए? 2 से 3 कप सफिशेंट होते हैं, क्योंकि देखें हम जो डेली वो कहते हैं ना कि आपके जी रोज़ाना होने चाहिए 5 to 6 meals अ डे, अब उसमें 5 से जो 6 meals आपके हैं, बीच में 2 to 3 snacks हो सकते हैं, ठीक है, स्नैक टाइम में आप चाय ले सकते हैं। लेकिन जो हम ये करते हैं ना कि खाने के फ़ौरन बाद चाय, खाने में बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, गजाइयत होती है जो कि इसकी वजह से अब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाती, ठीक है। फिर ग्रीन टी आ जाती है, ग्रीन टी जो है वो एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन को इन्हांस करती है, लेकिन ब्लैक टी जो है उसे कम कर देती है। अच्छा, ब्लैक टी के ऊपर बड़े लोगों का ये कॉन्सेप्ट है जी शदीद गर्म होती है, पिंपल निकाल देती है। मैं पूछूंगी उम्मे फरवा से ऐसा होता है कि नहीं होता। लुबना मेरे साथ एक कॉलर मौजूद है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी लुबना, बात कीजिए। अस्सलामुअलैकुम सरवर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं चाय शाय पी है आपने कि नहीं? जी जी, आज तो मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक चल रहा है चाय का। वाह, भी मेरा भी फेवरेट है जी। अच्छा, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सुबह सुबह उठ के खाली पेट चाय पीते हैं, जैसे ऑफिस जाते हैं यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं? क्योंकि सुबह सुबह कुछ खाने का तो दिल नहीं करता, तो काइंडली ये बताएं क्या किया जा सकता है। हमारे दिमाग की खराबी है, सुबह सुबह खाने का दिल नहीं कर रहा होता, बस चाय पीने का दिल कर रहा होता है। मैं अभी पूछ लेती हूँ, थैंक यू सो मच लुबना आपने कॉल की। अच्छा, एक होती बैड टी, मुझे उठते ही चाय चाहिए, मुझे टेबल पे पहुंचने से पहले चाय चाहिए, अब ये बताइए कितने नुकसान? वो मैं बताती हूँ, दरअसल होता ये है कि देखें 8 घंटे की जो कंडीशन होती है ना उसे हम फास्टिंग कंडीशन कंसिडर करते हैं। कई लोग ऐसा करते हैं कि अर्ली डिनर कर लिया 7-8 बजे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, तब तक डिनर कर लेना चाहिए। अब जब आपका इतना लंबा गैप आता है, आप सुबह सोकर उठते हैं तो बड़ा लो फील कर रहे होते हैं एकदम से, लोग कहते हैं हमें जी जाग नहीं आती, होश नहीं कर पाते, उसकी मेन रीज़न ये है कि उस वक्त आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल स्लो हो चुके होते हैं, क्योंकि बहुत लंबा गैप आ गया ना। तो उस दौरान ये कि बहुत से लोग, अगर आप कुछ दिन ये करके देखें कि सुबह उठ के आपने खाली जूस भी पिया तो आपको एक इंस्टेंट एनर्जी बूस्टअप मिलेगा, उससे भी आपको उतनी ही होश आएगी जितनी आपको चाय से आनी थी। चाय का इशू ये है कि इसको जब आप खाली पेट लेते हैं तो आपके सारे रात के वो जो आपके स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूसेज होते हैं वो भी अंदर ही हैं, बहुत लंबा गैप जो आ चुका हुआ है, और आपका मैदा सुबह बेसिकली कुछ खाने के लिए और डाइजेशन के लिए तैयार होता है, और उस वक्त मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है हर इंसान का, कि अगर आप उठने के आधे घंटे के अंदर नाश्ता कर लें तो आप वेट नहीं पुट ऑन करते, आप यू स्टार्ट लूजिंग वेट एक्चुअली। तो जब हम खाली पेट उठते ही चाय लेते हैं तो वो एसिडिटी और बहुत सारे लोगों को गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस करनी शुरू कर देता है। सही है। अच्छा उम्मे फरमा, कुछ लोग कहते हैं कि जी चाय पीने से रंग काला होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, चाय पीने से बिल्कुल रंग नहीं काला होता। जो आपका स्किन पिगमेंट है वो आपके जीन्स में, वो जेनेटिक चीज़ है। हाँ, आपका धूप से रंग खराब हो सकता है, हाइपर पिगमेंटेशन हो सकती है, लेकिन चाय पीने से बिल्कुल, चाय पीने से रंग नहीं काला होता, चाय पीने से पिंपल्स नहीं निकलते। कुछ लोगों को कॉफ़ी से पिंपल्स निकल सकते हैं, कुछ लोगों की एक्नी जो है, क्योंकि जब किसी को एक्टिव एक्नी चल रही हो तो बहुत सी मेडिसिन ऐसी हैं जिनको हमने दूध वाली चीज़ों के साथ नहीं खाना होता। ऐसा नहीं कि उन दिनों हम दूध लेना बिल्कुल बंद कर दें, बस ये कि आपकी मेडिकेशन की जो टाइमिंग है वो उसके अकॉर्डिंग चेंज करनी होती है, लेकिन
चाय से पिंपल्स बिल्कुल नहीं निकलते, ग्रीन टी से नहीं निकलते। ये कुछ फूड्स ऐसी हैं जिनका टेम्परेचर ज़रूर हॉट है, लेकिन अगर हम ये कहें कि जी वो बॉडी बहुत ज़्यादा उसके अंदर गर्मी या ऐसा कुछ मसला हो जाएगा, ऐसा नहीं। बिल्कुल, अच्छी चाय के लिए कितनी क्वांटिटी में दूध भी हमें ऐड करना चाहिए, मैं उम्मीद फरबा से भी पूछूंगी और अनम से भी जानेंगे कि अच्छी चाय बनाने के लिए कितनी क्वांटिटी में दूध जो है वो शामिल करना चाहिए। अभी हमारे साथ कॉलर मौजूद है शाहिद, उनसे बात करते हैं। शाहिद, आप बताइए चाय पसंद करते हैं कि नहीं? जी जी पसंद करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं ये मैडम अनम साहब से पूछना चाहता हूँ जी कि चाय सबसे अच्छी चाय कैसे बनती है, दूध पत्ती वाली या कावा सही कड़क बना के वो बनानी चाहिए, या जो ये कश्मीरी चाय आप कह रहे हैं ये बनानी चाहिए? और दूसरी एक मिनट, दूसरी ये बात की जो डायबिटीज के पेशेंट है जिस तरह मैं हूँ जी, क्या मुझे ये चाय, मैं तो दिन में 7 कप पीता हूँ जी, सुबह निहार में उठते जैसे आप कह रहे हैं मैं 4-5 बजे फर्स्ट टाइम चाय कप पीना है, ठीक है, और मैंने ये किस तरह ये चाय कैसी चाय होनी चाहिए? अच्छा शायद मेरे भाई मुझे बताएं, चाय तो बताऊंगी आपको कैसी होनी चाहिए, चीनी कितनी डालते हैं आप चाय में ये पहले मुझे बताएं आप। चीनी मैं तकरीबन 1/2 चम्मच डालता हूँ जी, ठीक है, एक नॉर्मल कप के अंदर। जी 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 बिल्कुल। चलिए मेरे भाई मैं अभी पूछ लेती हूँ आपके ढेर सारे सवालात हैं उनका जवाब ले लेते हैं, पहले तो जरा डायबिटीज के हवाले से पूछ लेती हूँ फरवा से, उसके बाद फिर अनम की तरफ चलते हैं। अब बताएं डायबिटीज नहीं है, 6 से 7 कप चाय भी पीते हैं, हर प्याली के अंदर 1/2 चम्मच वो चाय का भी। मैं बताती हूँ, देखें जितने भी डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, पहली बात तो ये कि हमने वो चीजें नहीं देनी होती जिससे फौरी तौर पे शुगर बढ़ जाए। 6-7 कप अगर ये दिन में चाय पी रहे हैं तो उसको कम करने का तरीका ये होता है कि हम सजेस्ट करते हैं जी अगर आप बिल्कुल दूध पत्ती ले रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उसमें दूध की मकदार कम करें, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स है ना नशास्ता। जितने डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, डिपेंड करता है टाइप 1 डायबिटीज है या टाइप 2, अगर तो इंसुलिन ले रहे हैं तो टाइप 1 डायबिटीज है, अगर सिर्फ गोलियां खा रहे हैं तो टाइप 2 डायबिटीज में होंगे अभी। अब उसमें मसला ये आ जाता है कि इन पेशेंट्स के अंदर हमने नशास्ता की अमाउंट को कंट्रोल करना होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट को, दूध में भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो अगर तो ये उसी तरह से 6-7 कप कंटिन्यू रखेंगे तो वो शुगर बढ़ाने का भी बायस बन सकती है, अगर क्योंकि बाकी खाने में भी कार्बोहाइड्रेट्स डेफिनेटली ले रहे होंगे। और जिस तरह चीनी का बताया, चीनी अगर वो 1/2 चम्मच भी ले रहे हैं तो बेसिकली हमने ये कोशिश करनी होती है कि आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स जो है अंडर कंट्रोल रहे, हम बहुत ज़्यादा सिंपल शुगर्स नहीं देते, ठीक है, तो उसको ये रिप्लेस कर सकते हैं। स्टिविया एक नेचुरल स्वीटनर है, बहुत से आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी मार्केट में मिलते हैं लेकिन वो नुकसानदेह होते हैं आपके दिमाग के लिए, मेमोरी जो है उसको अफेक्ट कर सकते हैं, तो स्टिविया नेचुरल स्वीटनर आप तो बहुत सारे ब्रांड नेम्स के नाम से मार्केट में मिल जाता है, स्टिविया को इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ये नहीं है कि आप शक्कर इस्तेमाल कर लें? नहीं, ओके, डायबिटीज वाले पेशेंट नहीं, इस तरह तो शहद जो है उसके भी बहुत सारे फवायद हैं, लेकिन फिर वो सुन्नत में भी है, लेकिन अगर हम उसको भी देखें, हर चीज़ का जो है ना एक्सेसिव यूज़, क्योंकि हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम आता है कि हम तिब्बे नबवी पे चलते हुए भी और हम ये कहते हुए जी ये सुन्नत है या इस तरह, तो हम उस चीज़ की जब क्वांटिटी को एक्सीड कर देते हैं तो ज़ाहिर है वो हमें नुकसान देती है। अच्छा मुझे अनम आप बताएं, एक तो ये जो मेरे भाई ने पूछा था कि कौन सी चाय किस तरह से बेहतर तरीके से बनाई जा सकती है, और मुझे भी ये आपसे पूछना है कि चाय बनाते हुए कितनी एहतियात की किन किन चीज़ों के ऊपर मोहतात होने की ज़रूरत होती है, चाय चाहे कोई भी हो? अच्छा जैसे फॉर एग्जाम्पल हम मिक्स टी के ऊपर बात कर लेते हैं, तो मिक्स टी आप 2 तरह की आपको मिलती है पीने के लिए, एक वो जो आप रेगुलर आपके घर में दूध आ रहा होता है वो, या एक आप टेट्रा पैक का दूध। अच्छा जब रेगुलर जो दूध आ रहा होता है उसकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छा दूध क्वालिटी वाइज कितना अच्छा है, और जो टेट्रा पैक है उसकी क्वांटिटी आप हमेशा कम रखते हैं और पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रखते हैं, उससे बड़ी अच्छी चाय बनती है, ठीक है। और जो रेगुलर दूध होता है उसमें आप ये करते हैं कि पानी और दूध एक बराबर आप रखते हैं अच्छी चाय बनाने के लिए। अच्छा चाय बनाने के लिए आपको मेन इंपॉर्टेंट जो रोल कर रहा होता है वो कावा होता है, दूध ने उसमें जाकर उसका टेस्ट को इन्हांस करना होता है बेसिकली, लेकिन जो आप कावा बना रहे होते हैं चाय का वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर वो अच्छा नहीं बनता, जैसे कुछ लोग दम वाली चाय पीते हैं उसके लिए आप देखें कि वो कावा अच्छा नहीं बना होगा तो वो कहते हैं कि यार ये चाय मज़ेदार नहीं, मज़े की नहीं बने, तो कावा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप उसको अच्छे तरीके से बनाएं, उसको थोड़ा सा टाइम दें, थोड़ी सी जो पत्ती है उसको दें टाइम ताकि वो अपना कलर निकाले पके। अच्छा ये कि दूध और पानी कहवे के लिए जो हम रखते हैं वो बराबर क्वान्टिटी के अंदर, बराबर क्वान्टिटी में। अच्छा बड़े लोग ही अनम गिला कर रहे होते हैं कि भाई अच्छा रंग नहीं आया, देखो चाय का जो ना रंग नहीं निकला तो तुम पत्ती और डाल दो, ये ऐसा होता है कि पत्ती मजीद डालनी चाहिए या कोई टेक्निक अपनी ठीक?
करनी चाहिए? नहीं देखिए, वो डिपेंड करता है, कभी कभी आप एक ही ब्रांड की पत्ती ले रहे हो तो उसका बड़ा अच्छा कलर निकल रहा होता है, दूसरी टाइम आप लेते हो तो नहीं निकल रहा होता, तो somehow कभी कुछ ब्रांड का भी इशू होता है। लेकिन आपको जैसे अब हम चाय बनाते हैं तो हमें इतना अंदाजा हो चुका है कि एक कप चाय के अंदर हमें कितनी पत्ती डालनी है, तो उस हिसाब से आप अपने कावे को अच्छे तरीके से बनाए, फिर उसमें दूध ऐड करें और उसके बाद उसको चाय को पिए मजेदार, यानी कि मजेदार तरीके से चाय की चुस्कियां फिर आप लोग ले सकते हैं। मेरे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, फैसल, पहले उनकी तरफ बढ़ते हैं। जी फैसल, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा मसला ये है कि चाय जो है शहद का इस्तेमाल करता। मेरे भाई, मैं आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक से नहीं सुन पा रही हूँ, आप ऐसे करें दोबारा से कॉल कीजिएगा तो फिर हम आपसे पूछते हैं कि आप क्या जानना चाह रहे हैं। और अच्छा, जानना तो मैंने भी बहुत कुछ है, बहुत सारे लोग हैं मैं फरवा बच्चों को क्या करते हैं कि फीडर के अंदर चाय डाल के दे देते हैं, बहुत गलत करते हैं क्योंकि बच्चा जो है वो भी चाय का एडिक्ट हो चुका होता है, वो लेटा लेटा पूरा इतना बड़ा फीडर होता है जिसके अंदर चाय ठंडी करके डाली हुई होती है, चलो बच्चे पीते रहो। अच्छा, इसका आपने देखा होगा अक्सर वो बच्चे जो बहुत अरसा बॉटल फीड लेते हैं उनके दांत सामने से ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि वही बात है, दूध के अंदर भी सिंपल शुगर्स हैं। और कई मदर तो ऐसे भी करती हैं, सोडा ड्रिंक्स जो हैं वो भी डाल कर दे दिया, फिर दूध वगैरह के अंदर ये जितने हमारे रेड कलर के ड्रिंक्स होते हैं, कुछ शरबत वगैरह वो भी डाल कर दे दिया। पहली बात तो ये कि दूध की सारी अफादियत उससे ख़राब हो जाती है। दूध हम पीते हैं हड्डियों की मजबूती के लिए, जब हम दूध के अंदर चीनी, चाय की पत्ती, कोई भी चीज़ हम दूध में ऐड करते हैं तो उससे कैल्शियम जो है वो अब्जॉर्ब नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आप ये समझें कि अगर आपको, कई लोगों को लगता है जी अगर हमने चाय पी ली तो चलो दूध तो हमने पी लिया, या बच्चों को दे दी, तो बस इतना याद रखें कि वो जो दूध था ना वो ज़ाया हो गया, उसका बच्चे की बॉडी को या आपकी बॉडी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दूसरी बात ये कि उसका बच्चे के दांतों पर बड़े उसके नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि कई बच्चे होते हैं जिनके सामने वाले दांतों को कीड़ा लग जाता है छोटी एज में, पहले मदर्स उस तरफ से बड़ी लापरवाह हो जाती हैं, कहती हैं कोई बात नहीं ये दांत गिर जाएंगे अगले आएंगे वो ठीक होंगे, लेकिन उस वक्त तक मसला ये होता है कि बच्चे का जो है ना एक वो स्वीट टूथ और ये वाली हैबिट डेवलप हो चुकी होती है। तो यानी कि बच्चों को ना आप लोग अवॉइड कराएं। मुझे अनम ये बताएं कि कश्मीरी चाय बनाते वक्त लोग कौन सी बेसिक गलतियां करते हैं जो नहीं होनी चाहिए, और चाय किसी भी किस्म की हो उसके लिए कोई खास टिप क्या होती है कि आपकी चाय बेस्ट हो जाती है? अच्छा, स्पेशली कश्मीरी चाय के लिए आपको पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको पेशेंस नहीं होंगे तो आपकी चाय अच्छी नहीं बनेगी, आपको, क्योंकि कश्मीरी चाय का ये होता है कि जब आपने उसके अंदर पत्ती, उसके अंदर क्या कहते हैं बादियान के फूल और इलायची डालकर आप जब उसको छोड़ देते हैं ना, फिर आपने इंतज़ार करना होता है कि उसमें पानी ने हाफ से भी कम हो, जब वो पानी उबल उबल के हाफ से कम होगा उसके बाद दोबारा से आप उसमें ठंडा पानी ऐड करेंगे, उसके बाद जब आप उसको बीट करना शुरू करेंगे तब जाकर कहीं पर उसका पिंक कलर निकलेगा। ओके, और कोई खास टिप जो आप देना चाहें चाय से रिलेटेड? चाय से रिलेवेंट तो मैं यही कहूँगी कि मैं, जैसे मैं पर्सनली, मुझे ये अच्छा लगता है कि आप अपने कावे को अच्छी तरीके से पकाएं, खासकर कोई 5-6 मिनट दे दें चाय को। जरूरी नहीं है कि 2 मिनट वाली चाय ला के रख दें, पेशेंस किसी में नहीं होता। प्लीज ये रिक्वेस्ट है कि अच्छी चाय के लिए उसके कावे को पकने दें, तकरीबन 5 मिनट चले आप अपनी जिंदगी के 5 मिनट एक मजेदार, जिसकी आपने चुस्कियों के साथ चाय पीनी है तो फिर मैंने तो अपनी जिंदगी के जो अपने शौक है इतने 15-20 मिनट चाय को दे दिए, तो आप लोग भी 5 मिनट दे दें चाय को, और यहाँ पर चाय भी बन रही है, मैं इस चाय को इंजॉय भी करूंगी अभी से कुछ देर के बाद, जब ये कप भी के अंदर डाल दी जाएगी और मैं उस कप की चुस्कियाँ लेती रहूंगी चाय की और इंजॉय करती रहूंगी, और उम्मे फरवा को भी टेस्ट कराएंगे, अनम भी हमारे साथ मौजूद है, मेरे सब लोग जहाँ पे टीम जो है वो भी इंजॉय करेगी, तो आप भी इंजॉय कीजिए, इस चाय को बनाइएगा जरूर। बहुत शुक्रिया उम्मे फरवा आपका, अनम थैंक यू सो मच, आपने भी हमें ज्वाइन किया, और आज के शो का फीडबैक हमें ट्विटर फेसबुक पेज पर जरूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।